मुझे ये जो फियर है उसको निकालना है 3 दिन के अंदर. सो आई वॉन्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल हु हैव गॉट पब्लिक स्पीकिंग फियर, के जिनको ऐसा शेयर करने से या नाम बताने तक का डर लग रहा है. राइट, आई कैन हेल्प यू बिकॉज आई विल हेल्प यू हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर माइंड एंड गेट दिस कॉन्फिडेंस. तो उसका हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसका एक मैं अलग से सेशन ले लूंगा. इट विल टेक ओनली 15-20 मिनट्स, बट आई विल टेक इट स्पेशली फॉर देम एंड आई विल सी टू इट कि वो लोग आके आपके सामने थर्ड डे फोर्थ डे दे कम एंड शेयर. ओके, सो प्लीज इफ यू कैन स्टार्ट बिफोर यू नो एवरीबॉडी कम्स. मुझे फियर लगता है, बट मैं सोचा जब तक कोई दूसरे बोल के तो माइंड में टेंशन में रहता है. मैं जब पहले निकल गया तो मैं सुभाष कुमार कनेरे पुणे से आया हूँ. और ड्रीम ऐसा है कि जो सर ने कहा कि इसमें आने के बाद क्या हुआ, तो मुझे अभी कार लेना था रिसेंटली और मैं 10 लाख का बजट सोचा था कि 10 लाख से ड्राइवर डिसाइड भी किया था. पर मेरी बेटी क्या है कि वो मैडम की क्लास और सर की क्लास सुनते रहती हम जब ज्वाइन करते, तो उसने एक बनाई एक विजन बोर्ड और वहाँ एक जिसमें सनरूफ होता है ऐसी कार का पिक्चर लगा और खुद की एक फोटो वहाँ चिपका दी कि वो खड़ी है. तो शॉर्ट में हाँ, तो फिर मैंने गुस्सा हुआ, बेटी ये निकाल दे ये सब, ये क्या लगाई तू, दूसरा ना तो अभी तक जो बनना है लाइफ में, जो डॉक्टर बनना है वो लगा, कोई क्लिनिक का लगा, ये कार का क्यों, नहीं पापा मुझे मेरे पास अल्टो है. बोले अल्टो नहीं, ऐसी कार चाहिए. मैंने कहा नहीं नहीं करते, उसको फिर निकाला. लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने आखिर अभी पिछले महीने ब्रिजा 16.5 लाख की खरीदा जो मेरे बेटे की पसंद की थी. तो ये थैंक यू मनोज जायसवाल नागपुर से. मेरा एक ही शेयरिंग है कि मुझे मतलब सब लोग ऐसा बोलने लगे सर आप पहले जैसे नहीं रहे. अरे क्या बात है, थैंक यू. नमस्ते, मैं जया जायसवाल नागपुर से. कोई ज्यादा बात हो गई? नहीं, मेरा तो भी कुछ नहीं. कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाएगा मुझे. थैंक यू. ओके, सो आपके कोई सपने, यू वांट टू शेयर, यू वांट एनी ड्रीम दैट यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग शॉर्ट में, अगर है तो ठीक है. देन यू ओके, परफेक्ट, थैंक यू. हेलो एवरीवन, आई एम रिचा अग्रवाल फ्रॉम नवी मुंबई. और जो ड्रीम कम टू हुआ है, तो रिलेशनशिप में हुआ है 15 इयर्स ओल्ड ब्रेक डाउन था एक रिलेशन में, वो ये से रहा. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रितिका. मेरे 3 बार मैजिक चेक्स किए हुए विथ 40% अमाउंट ज़्यादा मिला है मुझे हर बार. और मैं राजू सर की क्लास सुन के मैं इतना कॉन्फिडेंस जीते थी, आई कैन स्पीक मतलब 10-15 लोगों के सामने तो बोल ही सकती हूँ, पहले नहीं बोल पाती थी. थैंक यू सो मच. I'm Dr. Sheetal Mapuskar. I'm from Dallas, USA. We are follower of the last 3 years, Rajan ji and Ashwin ji, Arvind ji. We are so grateful and thankful to them. And the magic happened in my life. My husband and I, we had a dream that by the recreational vehicle, we call as RV, it has all the things. It's around like $90,000. And I used to write every day that I got my RV, I got my, because my husband dream was that, and even myself also. So, I was writing that I will get an RV, I will get an RV. Now, my husband came and said, I have an RV. It was like, all नमस्ते, गुड डे एवरीवन. नमस्ते, नमस्ते. माय नेम इज सुरेश अंबेकर, आई एम चीफ ऑफ IBM, चीफ आर्किटेक्ट. लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जब से राजन जी पहली और अश्विन और अरविंद साहब से हुआ है, आई यूज़ टू हैंडल अकाउंट ऑफ क्लोज टू $105 बिलियन पर एनम. अभी आफ्टर दिस मैजिक आई हैव 3 अकाउंट्स. वन डे रेवेन्यू ऑफ दैट अकाउंट इज $8 ट्रिलियन. सो आई planning to acquire another 28 accounts. We just came yesterday and I'm totally tired. But after I saw Rajan sir, Annie, and Ashwin, Arvind sir, I don't know where that tired gone. And I'm like, big fan of all of us. And my both the kids are very, very follower of Annie. And we'll know soon. Thank you. Thank you for opportunity to give this.
I am Rajesh Gupta from Bombay. My wife Babita here. My inspiration for being here. Now, as far as magic is concerned, specifically, I'm not able to recall anything. But yeah, in recent past, I have made a lot of money in shares, where I was not believing that I will make. Wow. Yeah. So you were believing you will not make money in stocks, right? Yeah, I was. Okay, so because I will share with you later on how I overcame this. I kept on making losses in stocks, and now how I am making profits in stocks. So I am Babita from Mumbai, and I have got my husband over here. He was not ready to come, but then because I believe, so he came with me, and he's not at all interfering whatever I'm doing. That is the best thing. And I learned gratefulness from Ashmin ma'am only. How to be grateful, I never knew. I'm into art of living also, but I had no idea how to write gratefulness, how to be grateful, but from her only I learned. Really, I'm so grateful to Rajan sir, Rashmin ma'am, Arvind sir, Annie, like really amazing. And so many magics have been happening, like whatever I manifest, it is completed. That's what I want to say. Whatever I manifest, I was at Bahrain airport, one thing I want to say, so there was some scratch card winning was going on. If you buy some things, and if you just pick up one scratch card, so many people were there with me, but nobody won. And I took out one, and I won over their scratch card. And I got all my beauty products free. That was amazing. I just manifested, I'm winning the scratch card, and I won. That's it. Thank you. That's the power of magic. Yeah. Really. Actually, jo inhone bataya, wo ekdam real hai. I mean, कितने लोगों को इसके पहले थैंक यू क्या होता है पता ही नहीं था. यू नो, थैंक यू बोलना ही नहीं आता था. थैंक यू बोलते ही नहीं थे हम, समझते भी नहीं थे. अब इतना डीप में जाने के बाद में, सो इट हैज़ बीन इंग्रेन इन अवर सेल्स एंड मैजिक्स आर हैपनिंग. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ थैंक यू एंड नो अदर गुड टीचर देन आश्विन जी. थैंक यू सो मच. हम तो सेम बोल रहे हैं, आपने क्या लिया ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर आपने क्या प्रैक्टिस किया ये भी आप पे डिपेंड करता है. तो टीचर कोई बाहर तो है नहीं ना, वो तो आपके अंदर है. सो जिन जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी, हाथ खड़ा कर दूं, जिनके लाइफ में मैजिक्स हुए, दे आर द बेस्ट प्रैक्टिशनर. एंड इफ माय ऑनर कि हाँ मैं भी सीख रही हूँ अभी भी फिलहाल. बट थैंक यू. आप जब से आए हो, आपको पहले आपको याद आया क्या वो पिछली बार क्या बोला आपने मुझको भी? कुछ ओके. मैं किरण बेरीवाल गुवाहाटी से आसाम. मेरे साथ मैजिक ही हुआ कि मुझे मन था कि मैं कुछ डोनेशन करूं, वो भी अपने पैसों से, ना कि हस्बैंड से मांगूं. मैं एक हीलर हूं, तो मैंने फ्री हीलिंग की थी. तो मैंने उनको बोला कि आप ही दे दो जो पैसे जिसको देना है, मेरे को मत दीजिए. जब मैंने ये लिखा था कि मैं डोनेट करना है, तो उन्होंने मुझे कैश एनवलप में डाल के भेज दिया कि आपको जो करना आप अपने हाथों से कर लो, हम नहीं करेंगे. वाओ, ये वेली वेली. हम जो सोचते हैं वो होता है, राइट? क्योंकि हमारी एनर्जीज की लेवल इतनी बढ़िया हो जाती है, हम जो सोचते हैं वो होता है. कितने लोगों को होता है ऐसा कि हम कुछ सोचते हैं बोलते हो जाता है? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा नाम कोमिला बख्शी है और मैं थाने से हूँ. मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेरा ड्रीम ये पूरा हुआ है कि मैं आश्विन मैम के साथ रिट्रीट पे आना चाहती थी, और वो भी अपने घर के आसपास. तो मैं थाने से हूँ, थाने से लोनावाला 2 घंटे ही है, तो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है. वाओ, थैंक यू मैम. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, राजन सर. आई एम इंस्पायर्ड बाय माय वाइफ कोमिला. माय नेम इज़ विकास बख्शी, एंड मैजिक इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ बिकॉज यूनिवर्स इज़ हर फ्रेंड. सो शी ऑलवेज सेज यूनिवर्स इज़ विद मी, एवरीथिंग विल बी गोइंग एज पर आवर डिज़ायर. सो lot of magics, we are here, we will keep sharing. Thank you. Wow, thank you. My name is Krish and I'm from Bangalore.
the main magic that has happened now is I'm standing here today. My job was to start tomorrow. और मेरे को लेटर भी फाइनल मिल गया था कि आपको 3 जुलाई बैंगलोर में होने का है. मैंने रिक्वेस्ट किया और बिलीव किया कि मेरे को 10th का ज्वाइनिंग मिलेगा, और फिर फाइनली वो लोग ने मान दिया और 10th का ज्वाइनिंग दिया मेरे को. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इधर खड़ा हूँ. I'm Namrata from Bangalore and so happy to be back here with all my mentors. Really gratitude to each one. And health and all the field, you know. So fit, fine and healthy. My brother was not well and uske liye maine bahut likha. He is fit, fine and healthy. And I just believe that. I was in Bangalore, he is in Bombay. He went to the ICU, reports, everything up, down. And I kept writing. That's it. And he is back home and up and about. So absolute gratitude to each one of you men. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. काफ़ी गुरुजी हैं यहाँ पर मेरे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और मेरी ज़िंदगी का जो जादू है, मेरा नाम ताराचंद छतवानी, मैं दुबई से हूँ. और सबसे बड़ा जादू आज ये है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ. ये मैंने मैनिफेस्ट किया था कि पेंच में भी मुझे आना है, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ सका, लेकिन आज यहाँ आ गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा जादू. थैंक यू वेरी मच. सो सपना जी एंड वॉज दे केम बाय फ्रॉम दुबई मॉर्निंग 5 o'clock. दे लैंडेड इन बॉम्बे एयरपोर्ट और यहाँ पर सबसे पहले आए थे वो. थैंक यू. थैंक यू सर. यहाँ पर सभी लोगों को मेरा नमस्ते. और मुंजाल फैमिली को, राजन सर आपको, और मेरे जो भी मेंटर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सपना छतवानी फ्रॉम दुबई. मेरे हर एरिया में बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ है. मैं 1 साल से जुड़ी हूँ रिलेशनशिप में, जैसा कि आप देख रहे हैं. पहले मैं जुड़ी, फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए. ये भी मेरा ड्रीम था. और मेरा दूसरा ड्रीम ये था कि राजन सर आपसे मिलना था, मैम से मिलना था. तो आपसे तो मैं दुबई में भी मिली थी. आज ये दूसरा ड्रीम भी मेरा कंप्लीट हो गया. और मनी में, हेल्थ में बहुत ही मुझे बेनिफिट मिला है. थैंक यू सो मच. मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पीनेस हो गई. और इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे अभी मैं माइक भी पकड़ रही हूँ ना, पहले मुझे इतना डर लगता था कि मैं किसी के सामने भी नहीं आती थी, और आज मैं इतने लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत. थैंक यू सो मच. यस. सो जस्ट वन मोर शेयरिंग. जितने लोगों को भी ऐसा थोड़ा डर लग रहा है, वॉट एवर, सी नाउ वी हैव फॉर्म दिस ग्रुप विच इज़ बिहेविंग लाइक अ फैमिली. इट्स अ वन बिग फैमिली एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू. सो बिंदास बोले, आप डरोगे तो भी हम वाहवा करेंगे, आप जैसा बोलोगे हम वाहवा करने वाले हैं. एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू. सो बी फियरलेस. आई मीन यू कैन नॉट डाउट. आई मीन कोई बाकी का दिमाग में नहीं लगाना, जैसा समझ में आता है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस. खुश मेरा हाल है, फरिश्तों जैसी चाल है. राजन सर की अफर्मेशन मेरे सर का ताज है. आश्मिन मैम की मीठी सी डांट से जीवन में डिसिप्लिन और डेडिकेशन कायम है. अरविंद सर की समझाइश से जीवन में बहार है. और एनी की मैच्योरिटी से मेरा आत्मविश्वास बुलंद है. थैंक यू सर. थैंक यू. वाओ. आप कौन है, कहाँ से हैं? दिस इज शीतल भंसाली फ्रॉम बैंगलोर. सबसे बड़ा मैजिक मेरे लाइफ में हुआ है इज बिकॉज ऑफ अरविंद सर. आई टुक 25 years टू फॉरगिव माई डैड. मेरे डैड 25 साल पहले गुजर गए थे, और मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे पापा मेरे को चीट करके गुजर गए, चले गए, चले गए. वो बिलीफ इतना स्ट्रांगली मेरे दिल में बैठ गया था कि आई कुडंट, यू नो, मेरे को कभी अच्छा ही नहीं लगता था पापा के बारे में सोचना, बोलना. अक्टूबर में अरविंद सर से बात हुई इस चीज़ पर, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाया. ऐसा ब्लॉकेज निकला है मेरे लाइफ से. एंड आई एम अ मैजिकल पर्सन, आई वुड से. मैजिक ही मैजिक है मेरे लाइफ से. अ वेरी स्मॉल मैजिक और एक शेयर कर रही हूँ. मेरा पूरा फैमिली इज कमिंग टू दिस मैजिकल वर्ल्ड. थैंक यू एंड लव यू गाइज. हाय, दिस इज आयुष हियर फ्रॉम बैंगलोर. तो करेंटली आई एम डूइंग माई CFA Level 2 एंड आई एम एन ऑप्शंस ट्रेडर. तो मैजिक इन माई लाइफ इज कंसिस्टेंटली आई एम मेकिंग गुड रिटर्न्स एवरी मंथ. जो मैंने नहीं सोचा उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है. क्या बात है, क्या बात है. एंड माई ड्रीम इज जो अब कैपिटल में मैनेज कर रहा हूँ उससे 100 times ज़्यादा मैं मैनिफेस्ट करूँ. सो पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले बहुत छोटा कैपिटल था. बट वंस आई हैव कम इनटू द मैजिक और अरविंद सर की क्लास मैंने अटेंड की थी, उससे आज मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 50 times बढ़ गया है. 50x. या
उसके बाद कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज भी मैनेज कर रहा हूँ. एंड मोर देन एनीवन इन आवर फैमिली मेरा यंगर ब्रदर इज मैनिफेस्टिंग मोह द ग्रेटेस्ट मैजिक बोल सकता हूँ. ही इज अटेंडेड अरविंद सर की क्लास एंड एनी मैम की क्लास. ही इज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड. ही इज मैनिफेस्टिंग मोस्ट मैजिक इन आवर फैमिली. हिज नेम इज अरिष्ट बाय द वे. सो व्हाट इज द प्रैक्टिस यू आर डूइंग मैजिक में? आप क्या करते हो, मतलब ग्रेटिट्यूड में क्या मैं करते वो हो? मैजिक मनी का नोट जो है उसको एनी टाइम चूमते रहता हूँ जब भी मैं. होमवर्क नहीं करते, मतलब यू डोंट राइट ग्रेटिट्यूड? नॉट एवरी डे, कभी कभी. उतना डीपली प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट वो मैजिक नोट का प्रैक्टिस अच्छे से करता हूँ. वाला काम है इसका. थैंक यू. ओके, वंडरफुल. थैंक यू. या हाय, माय नेम इज रमनीक सिंह चावला. आई एम फ्रॉम दिल्ली. And it's amazing journey till now, and hopefully never ending rahegi. Wow, thank you so much. Thank you. So he was there in with Pench, with us in Pench. Pench mein se kafi log aaye, right? Idhar repeat wale, right? How many of you all? Wow. So now this journey, ye jo hum seekh rahe hain, isko humko repeat karte rehna padta hai. Repeat, because we are programming our subconscious mind. हम ये जो power है वो हमारे mind में है, उसको हम program कर रहे हैं, उसको हमको repeat करते जाना पड़ेगा, repeat करते जाना पड़ेगा. Thank you for coming. Yes. Hi, my name is Sanjay Katyal and I'm from Gurgaon. I joined ma'am's classes probably a year ago, not exactly a year, maybe 11 months ago. And since then I've been practicing every day and it's been a tremendous turnaround in my life. I have got such beautiful construction, I'm into construction and I've got very good construction projects and I've got lots of profit in those construction projects and there was a dream that I always dreamed of making a portal where people can make their dream homes at a touch of a button. I have been trying that for last 7 years and I couldn't get the breakthrough on making the portal. Now I'm almost ready and I'll probably launch in mid of July. And this would be a game changer. And it's been a tremendous journey. There are other magics that happened to me. You know, I've been fighting for an income tax case for last 15 years, and recently the order has been passed in favor of me, and that's a huge sum of money, and it's been a tremendous journey. It's beautiful. Anybody else? Hi, I'm Punita Pudar from Bombay. Kya bataun? Thank you. It's like raining health, wealth, happiness. Life is not the same again. Life is not the same again. Last 3 years mein jo changes aaye hain, matlab hansna seekh gaye, khush rehna seekh gaye, satisfied rehna seekh gaye. Satisfied nahi, aur chahiye, aur chahiye, aur jitna chahiye utna milta hai. Kya baat hai. Thank you so much Arvind sir. Thank you ma'am, thank you Annie, thank you Rajan sir, thank you so much. I am Rashmi from Mumbai. Ma'am, ek baar dobara congratulations. Annie, congratulations. Ish, aap hamari family mein most welcome. Sir, main to pura 360 degrees change ho gayi. Main ekdam alag person thi pehle aur abhi ekdam alag hoon. Full time मैम चाहिए, मैम की बातें चाहिए बस. मैम रियली आप और अरविंद सर सारा टाइम, अरविंद सर बोलेंगे जिद पकड़ लो तो वो जिद ही पकड़ ली अब तो. थैंक यू मैम. Wow. Hi everyone, my name is Poonam Gupta. I'm from Mumbai.
And I think the biggest magic is to be associated with all the mentors, Rajan sir, Ashmeen ma'am, Arvind sir, and Annie. It has been really life-changing for me, lot of magics. And I think attending this retreat has been very magical today. I was really wanting to attend it. Thank you. Wow. Hi everyone, I'm... Louder! Wow! So more and more you say wow, you attract wows in your life. Okay, good, yeah. Hi everyone, I'm Deepika Sharma from Mumbai. It's a blessing being here, which I had never imagined in my life. All thanks to my friend Poonam, who really, you know, made me do this. She made me associate with all of you all. And aaj aise hai ki pura din mere ghar mein wo magic book ka wo chalta rehta hai. Whatever ma'am says, wo, that is on 24 hours. Full day, I just, even if I can't practice, even if I can't practice that, you know, I've made it a routine of hearing her and Arvind sir and Annie full day. Even kitchen mein, room mein, everyone, all my family does that. Thank you so much, ma'am. Mera naam Vijay Khetan hai. Bombay se aaya hoon aur फर्स्ट टाइम राजन की एक कोविड में क्लास की थी संडे के दिन. तो क्वेश्चन मैंने किया था कि तुझे सर कभी से बोलने लग गए सब लोग. तो इनकी जो वाइफ है और छाया, मतलब मीना एंड छाया वेर स्कूलमेट्स, स्कूल फ्रेंड्स. तो जब ही उसको बोला कि ना सर कभी से बोल रहे हैं यार तेरे को, मैंने क्वेश्चन ही इसको यही किया सभी के सामने. तो बोले यार सर कभी से बोल रहे हैं. तो फिर धीरे धीरे उसी ने बताया कि मैजिक की क्लास शुरू है मीना को, मेरी वाइफ को. और एनी की क्लास मैंने ऑफिस से 11 बजे शुरू की थी. देखता था, नहीं भी देखता था, देखता था. फिर कुछ बातें अच्छी लगी और जेन्युइनली फिर 5 बजे की क्लास आसमिन जी की. और आसमिन जी की क्लास करने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों में. और एक टाइम तो उन्होंने 3 दिन मुझे बैठा दिया और मेरे 3 दिन के लिए इतने अपॉइंटमेंट थे कि ना मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था. दिल्ली के अंदर और 3 दिन अरविंद जी और मैम ने 3 दिन बैठाया. बल्कि उस दिन जो 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है, एक कदा एग्जांपल दो ना थोड़ा हमको. 360 डिग्री लाइफ चेंजेस हुई है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. बल्कि मेरी लाइफ में, बिजनेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में. और बिजनेस है तो फिर बोलते हैं अबंडेंस मनी भी आ रही है. कितना टाइम वी कैन से कितना टाइम बढ़ गया हमारा बिजनेस, थोड़ा लोगों को भी समझ में आ गया क्या जादू कर रहे हैं आप. हम अमाउंट नहीं बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 ऐसा कुछ. इतना मल्टीप्लाई करके नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम था ये क्वेश्चन इधर पूछा जाएगा. वैसे मैं बता दूं, इनका 5-10x हो गया अभी. और उनका पहला एक्स भी इतना बड़ा था. वाओ, थैंक यू, थैंक यू. एस्टैब्लिश द फर्स्ट एक्स फर्स्ट. हां, फर्स्ट एक्स फर्स्ट. तो एक्चुअली में जो आज हमने ये जो क्लास कर रहे हैं, हम मास्टर क्लास कर रहे हैं लव की, हेल्थ की और मनी की. इसी यही क्लास मुझे उन्होंने 1 साल पहले ही करवा दी थी. थैंक यू. यू डोंट वरी, आई विल कॉल यू. कोई ये ना सोचे स्पेशल कोई यहाँ पर. आई विल कॉल यू ऑल फॉर 3 डेज. जहाँ पर सारा सारा दिन बैठ कर सिर्फ आपको फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है फॉर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एजेंडा. पहले ये वाले रिट्रीट अपनी बिल्कुल सक्सेसफुली करो, सीख के जाओ, एंड देन वी विल डू 3 फुल डेज ऑफ ओनली फोकस ग्रेटिट्यूड वेरी सून. ठीक है, कम हियर. वाओ, कम हियर. विजय सर, तुमको कहो वाओ. विजय सर, वाओ. और एक्चुअली मैं कपड़े भी 1 दिन के लिए लेके गया था. 3 दिन क्लास लेगी. और 3 दिन और जो ग्रेटिट्यूड के हिसाब से मुझे सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक. और उन्होंने पूरा विजिलेंस रखी कि ऐसे भी नहीं, और पर्सनली मतलब कि ना कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और चेक भी किया 3 दिन पर्सनली आके. और उसका जो बेनिफिट मुझे मिला है और उसको मैं कभी भी भूल भी नहीं सकता हूँ. और वो अपनी लाइफ के एक जहन के अंदर
कहाँ बैठ गई है कि उसको अब क्या बताऊँ, उसके लिए कुछ है ही नहीं, शब्द ही नहीं है मेरे पास, बस वाव है बस और कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम यशवीना शाह फ्रॉम मुंबई। आई फील रियली ब्लेस्ड दैट राजन सर गॉट मी इनटू दिस मैजिकल वर्ल्ड, इंट्रोड्यूस्ड मी टू अश्विन मैम एंड द फैमिली। लाइफ हैज बीन मैजिकल सिंस देन एंड इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, होप, हैप्पीनेस ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, हियर। आई एम अ बिट नर्वस। My name is Bhavna. I've come from Bangalore, and heartfelt gratitude to all of you, Rajan sir, Ashwin ma'am, Annie, Arvind sir. Arvind sir's prayer, oh my God, it just changes our life. Wow. I can just cry. Yes, I've seen small magics happening, but coming here itself is a magic for me today, because I was not scheduled to come, but I wanted to come. So universe made the way for me, and some important work came up in Bombay because of which I had to travel. Wow. So I'm here and get to learn a lot from you all, wanting to learn a lot from you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. You'll talk, anyone? Thank you. Hello. Hari Om to everybody. Hari Om. I'm really, really delighted and very, very happy to be here. We started with Arvind sir's journey from last October. I've started, and first time we came to Pench, we met there, and that really motivated me. Or pura mindset change ho gaya ki ye karna hi hai, bhai zid pakad li jaise wo karna hi hai, aur itna acha lagta hai. Fir especially started attending Arvind sir's classes. सुबह के जो प्रेयर्स के होते हैं उसमें वो जो लाइन आती है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिधियाँ, वो मुझे इतना खुश कर देता है। आई फील सो हैप्पी विद दैट, यू नो, सो हैप्पी विद दैट, वेरी नाइस। एंड अश्विन मैम की एक एक लाइन, जैसे यू नो अभी दिन में हर टाइम दिमाग चौकन्ना रहता है कि हम सोच क्या रहे हैं, सोच के बोलो, सोच के बोलो, सोच क्या रहे हैं, तो वो मुझे अभी बहुत, और आपकी एक लाइन मुझे हमेशा, मैंने रजिस्टर कर दिया है कि आप अपने थॉट को, जब भी कोई भी नेगेटिव थॉट आए या कोई भी आवे, अनचाह है या मन चाह है, बस उसी को करके मैं आगे चलती रहती हूँ कि अगर मन चाह है तो वेरी गुड, अनचाह है तो रिजेक्ट आउट, ये नहीं, अभी इसका ऑपोजिट सोचो। ऐसे करके अपने को इतना मैं ट्रांसफॉर्म, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने के ऊपर, बट दिस इज ऑल थैंक्स टू ओनली यू। इतना शुक्राने निकलते हैं मालिक के कि हमको इस दर पे पहुँचाया है, शुक्राना, आप सबका तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से। wow. और अरविंद सर और अश्विन मैम को आपको करोड़े करोड़े बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। मालिक अपने बच्चों को हमेशा खुश रखे, सुखी रखे। राजन जी मुझे ऊपर बुला लो। राजन जी मुझे ऊपर बुला लो। आजो आजो आजो। अरे आइए आइए। हाँ 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 हाँ। मुझे बहुत खुशी है यहाँ मुझे चांस दे रहे हैं हंसने का, हंसाने का। मेरी प्रैक्टिस, मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, मैं 26 इयर्स का हूँ विद 50 इयर्स एक्सपीरियंस। दिस क्लासेस हैज मेड मी मोर यंगर, मोर एनर्जेटिक, एंड इट्स रियली वंडरफुल। सब लोग निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं और सबको फ़ायदा हो रहा है। बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रोज़ 3 लोगों को फ़ोन करता हूँ, 3 लोगों को मैसेज भेजता हूँ कि आपका टाइम के अनुसार ये क्लास ज्वाइन करो, एंड पीपल आर ज्वाइनिंग एंड बेनिफिटिंग। दिस इज अ सेवा विच नाउ वी हैव टेकन अ सेवा, नाउ वी हैव टू गिव सेवा, सो आई एम डूइंग दैट। एंड माय ऑलवेज एम इज टू ब्रिंग मोर पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड टेक द बेनिफिट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Before yes. we really proceed, I want to thank for all your blessings.
तो एक मिनट ले लूं पहले मैं बिल्कुल ठीक है बिकॉज वी मेट जस्ट एंड रियली वांट टू थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स एज वेल सो गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग थैंक यू राजन जी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल रिट्रीट ऑल द ग्रेट इनिशिएटिव्स लुकिंग फॉर द वेन्यू लुकिंग फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स छाया जी एक मिनट ऊपर आ जाओ पहले प्लीज बिफोर हेयर इट बिगिंस आप लोगों ने पिछले कितने महीनों से इतना मेहनत किया है बहुत ज़्यादा And finally, the things are happening. Yes. Finally, all these lovely people are here to transform their life in these 3 days. The whole of the credit, basic credit, initial credit, fundamental credit goes to these two great souls. Thank you. Thank you. And I know it was your dream, Lonavala mein aana. Kab se bol rahe hum ki Lonavala chalenge, wahan chalenge. Finally, we are here. Yes. Finally. And these three. Thank you. ये आपके अलावा कोई और भी है टीम में तो उनको भी थैंक यू पहले करो हम सबसे ज्यादा हम रश्मि को करेंगे रश्मि कहाँ है वो रही रश्मि खड़ा हो जाओ जो है इज द रश्मि थैंक यू रश्मि फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड अनकंडीशनल सपोर्ट थैंक यू वेरी मच और अगले 3 दिन में बहुत काम कराने वाले हैं तुमसे ठीक है बिकॉज दीज 3 डेज आर गोइंग टू बी द मोस्ट मैजिकल डे आप लोग यहाँ पे आए हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम फॉलो करेंगे करोगे तो बहुत अच्छा है पर मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पर कोई एजेंडा लेके नहीं आए हो आप लोग क्या करने आए हो सिर्फ मजा करने आए हो क्या करने आए हो क्या करने आए हो और अगर मजा इस रूम में आ रहा है तो बैठना नहीं आ रहा तो बाहर चले जाओ रूम में चले जाओ सोने चले जाओ जो मर्जी करो जो आपका मन हो क्यों क्योंकि मजा नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा फिर मजा नहीं है और रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप इसको मजे मजे में करोगे ठीक है तो यहाँ पर जो भी सेशन में चल रहा होगा अगर मजा आ रहा है नहीं तो ले आओ मजा अपना बीच में है ना कुछ क्वेश्चन पूछ लो हैव सम फन विद इट जब सीरियस टॉपिक होगा तो मैं डांट भी दूंगी हैव मजा इन दैट सीरियस टॉपिक आ सकता है बीच में कोई ना तो उसमें मजा ले लेना इफ इवन आई हैव अ स्कोल्ड फॉर एवरीवन और एनीवन हैव मजा इन इट ठीक है जी वो तो तैयार बैठी मुझे एक बार मुझे दे देना डांट एक मुझे दे देना किस किस को चाहिए मुझे बता डाल गिव यू विद माय हार्ट ठीक है सो द 3 डेज आर वेरी वेल स्केड्यूल्ड यू विल बी हैविंग एवरीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप अगेन एंड अगेन कौन सा वेन्यू है कहाँ पर हो रहा है सेशन कई बार आउटडोर होगा कई बार इंडोर होगा तो अलग अलग सेशन के वेन्यूज अलग है तो थोड़ा व्हाट्सएप पर चेक कर लेना बिफोर यू आर कमिंग क्लियर टू ऑल ओके दो चीज़ों का बस ध्यान रखना है नंबर एक मज़ा जहाँ आ रहा है अगर इस समय यहाँ पे बैठने का मजा नहीं है बाहर बारिश देख के अच्छा लग रहा है गो एंड प्ले आउट फुली ठीक है कोई आपको रोकेगा नहीं कोई पकड़ेगा नहीं अगर सोने का मन कर रहा है गो एंड डू इट पर फिर फायदा क्या लेके जो लेने आए वो लेने जाओगे ना फिर जिन्होंने 3 दिन अपनी लाइफ का मेहनत किया है विजय जी ने तो कुछ तो मिला है उनको तो ये 3 दिन आप लगा दो आई गारंटी यू कुछ ऐसा लेके जाओगे जो कि मजा आ जाएगा लाइफ में आई गारंटी ठीक है तो आप लोगों ने ये किया और मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो सपना जैसे अभी हम शेयर कर रहे हैं तो माय नेम इज आश्विन मंजाल ओके एज एवरीवन वाज इंट्रोड्यूस्ड ओके हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डोंट नो जस्ट जेन्युइनली हां कितने पहली बार लाइक देख रहे हैं पहली बार आए हैं सुन रहे हैं थैंक यू या थैंक यू ओके अच्छा जाने भी नहीं तब भी सुने जा रहे हो इधर से मुझको सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर So just to give a little brief about myself, my name is Ashmin Munjal and I was a cosmetologist by profession, working in the field of making people look beautiful from last 25 years. And being a cosmetologist and trichologist, my life was great. I was doing great work with celebs, with Bollywood, with the fashion world, with brides. I have a chain of salons and academies in Delhi NCR. पर पिछले 25 साल में काम करते करते कुछ ऐसा लगा कि बाहरी सुंदरता तो बहुत अच्छी है होनी चाहिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ बट कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की सुंदरता को भूल जाते हैं द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ ह्यूमन बींग सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ फर्स्ट बिकॉज बाहरी सुंदरता अच्छी है वो होनी चाहिए पर अंदर की भी ज़रूरी है विद इन दिस लाइफ टाइम तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी फ्रॉम लास्ट अ फ्यू डेकेड्स एंड व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स ऑन माई सेल्फ माई लाइफ माई करियर एवरीवेयर सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस ब्यूटी विद अदर पीपल एज वेल सो दैट इवन दे कैन हैव सम इनर ब्यूटी और जब आपका अंदरूना अंदर से जब ब्यूटी बढ़ती है आपकी लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट करती है आपके करियर में आपके रिश्तों में
आपके आपके जो भी आप चाहते हो अपने फाइनेंसेस में, पैसों में, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें होती है, पर अगर अंदर से ही रोशनी नहीं है तो वहाँ पर भी अंधेरा कभी कभी बना रहता है। तो कितने लोगों ने पिछले कुछ टाइम में अपने अंदर से सुंदर बना, ग्रैटिट्यूड के साथ कुछ कुछ रोशनी लाए। सबसे ईजी टूल होता है अपने आप को अंदर से अच्छा बनाना, सुंदर बनाने का। तो और किन किन के कुछ कुछ सपनों की दुनिया में रोशनी आई आई ना, देखो आपने थोड़ा सा सुंदर बनाया, तो इन तीन दिनों में थोड़ा और काम करेंगे अपने ऊपर अंदर से, ठीक है। तो बस सिंपल सी साइंस है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड इफ माई शेयरिंग्स और माई एक्सपीरियंस इज ऑफ सम यूज टू यू, दैट्स एन ऑनर। मतलब बस इतना ही है हमारा रिलेशनशिप। आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हो, आई एम अ को प्रैक्टिशनर विद यू, एंड एक दिन मैं यहाँ खड़ी हूँ, कल को हो सकता है आप यहाँ पे खड़े होंगे और मैं वहाँ बैठी होंगी। आई विल बी लर्निंग फ्रॉम यू एट दैट टाइम। सो थैंक यू फॉर अलाउिंग अस टू मेक यू ऑफ सम वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा जो कि आपके काम आएगा। तो अभी हम आगे सेशन बढ़ाएंगे एज वी गो फॉरवर्ड, बट एक बहुत बड़ी चीज़ जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी अपनी लाइफ में, बहुत सारे मेरे जितने भी जिंदगी के सपने थे, लाइक वट एवर आई वॉन्टेड एज अ इन माई प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी था, जिनसे मिलना था, काम करना था, प्रॉपर्टीज लेनी थी, एवरीथिंग आई एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस साइंस। बट कुछ एक सपना था जो कि कुछ महीनों सालों से मेरा बहुत मेन सपना था। एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अपने लिए तो ज़िंदगी बनानी बनानी, पर अपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कुछ ऐसा जो कि बच्चे सच में जो कहते हैं ना, बच्चे बड़े प्रीशियस होते हैं, तो उनके लिए भी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो कि बहुत प्रीशियस हो। एंड विद द यूजिंग ऑफ दिस साइंस जो कि मैजिक बुक से, पावर बुक से कर रहे थे, एंड वेरी रिसेंटली अ वेरी वेरी वंडरफुल बुक वी स्टार्टेड टुगेदर विच इज़ कॉल्ड सीक्रेट टू लव। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दैट सीक्रेट टू लव? सो सन्या आपको तो पता ही है फिर इन एंड आउट। सो जो चीज़ वहाँ पर थी नहीं, मतलब शुरू में जब वहाँ पर हमने वो रूल को ढंग से अप्लाई नहीं किया तो वो नहीं थी, और जैसे ही वो रूल अप्लाई ठीक ठीक होना शुरू हुआ यूनिवर्सल लॉस के अकॉर्डिंगली, वी गॉट समथिंग विच इज़ लाइक, कहते हैं ना, जो हमारी जीवन का सबसे बड़ा प्यारा एक उपहार है इस यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, एंड विच वी मैनिफेस्टेड टुगेदर, मी, माई हस्बैंड, माई डॉटर। एंड अब बोलो कि बेटा क्या कर रहा था? वो चिकन खा रहा था वो अपनी मस्ती कर रहा था वो कह रहा था सब कुछ ठीक ही होता है अपने आप, तो वो मस्ती कर रहा था, हम तीनों ने काम किया था। तो इट्स ऑल अबाउट, आप अकेले भी करो, चाहे दो लोग करो, चाहे तीन लोग करो, बट योर व्यू and vision should be same. So we got something or someone which is our dream. So aap logo ki blessings ke liye, before we really start the session, so we have someone who is love of our life, jisko main pyar se bolti hu, ishq, ishq. So we have someone very special with Annie. So come. So we have the greatest manifestation result of our life. Come. He is like my son, like son इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि son से भी कुछ बड़ा होता है, मतलब बेटा दामाद बहुत छोटी बात होती है, उससे भी बहुत बड़ा। जब से हमारी लाइफ में आई है, लाइफ हैज़ बिकम सो मैजिकल, लाइक इवन मैजिक इज अ स्मॉल वर्ड राइट नाउ। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एंड कैसे कैसे मैनिफेस्ट, कितने लोग अपनी लाइफ में वो मैजिक्स चाहिए लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, फ्यूचर, करंट? सो वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल इन द कमिंग फ्यू डेज। सो बट ये दोनों बच्चे हैं एंड आपके ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। मतलब आई वॉज टेलिंग एवरी वन, अभी हम इनका रोका भी हुआ है जस्ट अ फ्यू डेज बैक, एंड हमने अपने घर में, अभी मेरे इन लॉस हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे पैटर्नल मैटर्नल जितने भी हैं, हम कहीं नहीं अभी तक इनको लेके गए हैं। मैं कब सबसे पहले आपको यहाँ मैजिक फैमिली के साथ आना है। वाओ, यहाँ पे जो रिश्ते बनते हैं ना, ये सबसे प्योर रिश्ते होते हैं, सबसे प्यारे रिश्ते होते हैं। इनकी वाइब्रेशंस में, ऑरा में जो रिश्ते शुरू होंगे, दैट्स द डिविनिटी, दैट्स कॉल्ड डिवाइन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड वी हैव आवर जिन्होंने एनी को मैनिफेस्ट किया था, शी विल शेयर हर, सो शी हैज़ हर ओन स्टोरी, कैसे उन्होंने एनी को मैनिफेस्ट किया अपने डॉटर लॉ के रूप में, और कैसे मैंने इनको मैनिफेस्ट किया, और हम दोनों को अपना अपना पूरा मिला। सो थैंक यू फॉर बींग अ प्रैक्टिशनर, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू।
विल मेक अ कंप्लीट फैमिली. सो हेयर वी आर. अभी तक हम लोग थे, फैमिली एक्सपेंड हो रही है. लाइक वी ऑल आर हेयर टू कॉन्ट्रीब्यूट. लाइक कई लोग कहते हैं कि रेगुलर नहीं होते हमारे सेशंस, तो आई वर होल्डिंग अ फ्यू पीपल टू अकाउंट इंक्लूडिंग हर. कि नाउ यू हैव द सेशंस बी ऑन टाइम, बी इन टाइम, चाहे दिल्ली में कहीं पे भी हम लोग रेगुलर मिले और ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड वाली प्रैक्टिस हमारी रेगुलरली चलती रहे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग ऑन टू इट. थैंक यू. सो बिफोर वी से बस यही है कि जो कहने आया, शुक्रानों से सब कुछ मिलता है, याद रखना. बस भरोसा, जिद, भोलापन और कुछ भी पालो. आई थिंक इन दिस हॉल आई हैव गॉट द बिगेस्ट मतलब आई हैव गॉट द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड. कि सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन मैंने की है, मुझे मिली है एज एनी. जो मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ किसी को मिला होगा. इन वाओ, यस दैट इज सो ट्रू. और इट्स नॉट कि बिल्कुल हाँ. और मुझे अपने लिए सच में, ईश के लिए तो जो है सो है, मुझे अपने लिए इतनी ज़्यादा खुशी है कि एनी इज देयर इन माय लाइफ. वाओ वाओ. सो सो सम टाइम्स अगो अश्विन जी ने मुझे मैंडेट दिया था कि भाई एनी के लिए कोई लड़का ढूंढो. तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं करूँगा. मैं यू नो शी इज एंजल, मतलब कहीं मतलब यू नो हाउ कैन आई फाइंड समबडी मैचिंग लाइक फॉर हर. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. ये होता है इस धरती पे. मतलब ऐसा एक में सब मिल सकता है क्या? हर कोई देख के यही बोलता था. एंड एवरीवन लाइक जो लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया के नहीं होते, तो दे एक्चुअली समटाइम्स फोर्स यू टू सेल शॉर्ट ऑफ योर चॉइस. कि कोई नहीं, कुछ कम कर लो इसमें से, ये कम कर लो, ये कम कर लो. अमृत वेला बच्चा नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है? ना करे, करते हैं ना बेटे तू. बिकॉज ये भी उसमें लिखा था कि वो जो है ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेले में विश्वास करते हो और उसको एटलीस्ट ट्राई करें. तो जो जो उसने लिखा था, एक्चुअली में एवरीथिंग 101% एवरीथिंग इज अवेलेबल बाय यूनिवर्स ऑन दिस प्लैनेट. बाकी डिटेल में एनी बताएगी जब बताएगी आराम से 3 दिन में. सो दोज हु आर लुकिंग फॉर देयर लव लाइफ पार्टनर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस साइंस वर्क. थैंक यू. थैंक यू फॉर द वॉर्म वेलकम हियर. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. आई वुड फर्स्ट लाइक थैंक यू मॉम, आपने इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन की कि एनी मिल गई. लाइक बिल्कुल बिल्कुल पूरी फैमिली मिल गई है. एंड आई वुड से मैंने मैजिक बुक अभी स्टार्ट की है, मुझे 20-25 दिन हो गए हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली लव, मैंने अगर बिजनेस में भी वो अप्लाई किया है, मुझे हर जगह हर स्टेप पे मैजिक दिखा है. मैंने खुद देखा है. मैं जैसे हमारे बिजनेस है तो फिर वहाँ पे आपका क्रेडिटर्स होते हैं कि उधार पे देना होता है. एंड डैड का होता था कि भाई मार्केट में बहुत पैसे आपके लग गए हैं, उसको उंगवाओ वापस. एंड मैंने उस दिन, एंड बहुत मज़े की बात है कि उसी दिन मुझे मैजिक बुक में आया था कि हाउ टू अट्रैक्ट मनी. तो उसमें लिखा था कि आपने थैंक यू लिखना सबके बारे में. एंड विद इन 3 डेज में 50% सारा पैसे वापस. एंड विद इन 3 डेज इट इज़ एक्चुअली वेरी, मुझे भी था, मैं भी करता था मैनिफेस्टेशन, बट इतना ईजी और इतना लाइक मैजिकल होता है वो मुझे पहले नहीं पता था. नाउ आई नो एंड आई होप कि मैं भी आगे इस लाइन में काफ़ी आप सबके साथ मिलजुल के काम करूँ. थैंक यू. हम लोग रात में यही बात करते हैं, हाउ डू आई मैनिफेस्ट दिस. नो वर्ड्स. आई थिंक एवर सिंस ही इज कम इन माई लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई एम ओनली सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बिकॉज वेन यू रियली सी कि सचमुच यूनिवर्स ओपन आर्म से देता है, जस्ट डू वॉट यू नो स्टेप बाय स्टेप इट इज सेइंग. सो आई थिंक
एवरीथिंग लिटरली एक एक चीज़ जिसे सीक्रेट टू लव में आप सब हो उसमें वो कहता है 100 लाइन्स में डिस्क्राइब करो कि आपको जो चाहिए हाउ इट इज़ एंड एवरीथिंग. मेरे को कमाल की बात है 100 चीज़ें लिखी 100 की 100 उससे भी ज़्यादा मिली. सो दैट वे इट वॉज वंडरफुल वेरी वेरी मैजिकल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग. It's just the beginning. So, you know, we all will learn together in all other areas of life with each other, from each other. And one thing which I'll say is very important about retreats is hum mein se na hame kabhi kabhar lagta hai are inhone kar liya to they are at some pedestal. Not at all. I remember hum log Pench mein mile the last year and few of you people, you know, देखो क्योंकि जिसने अपनी लाइफ मैम क्या कहती हैं जिसने कुछ अचीव कर लिया उससे जाके पूछो उन्होंने कैसे किया है ना. तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे अंकल मनी के एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो जिनको मनी के एरिया में उस तरीके से तो देन वी कैन आस्क ओके व्हाट ऑल प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग. सो आई वाज वेरी लकी व्हेन वी वेंट टू पेंच सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ में इसको अचीव किया दे केम दे शेयर्ड एंड वी मैनिफेस्टेड दिस टुगेदर. सो इट्स वेरी वंडरफुल. आप जो असाइनमेंट्स हैं उसको आपकी लाइफ में मैजिक है तो शेयर करो. किसी और की लाइफ में मैजिक हुआ तो आके उससे इंस्पायर हो इंस्टेड ऑफ फीलिंग हॉ इसको कैसे मिल गया. सो आई थिंक दैट्स वाई रिट्रीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑनलाइन ब्रेकआउट रूम्स में मे बी उतना बात नहीं हो पाता है. यहाँ पे आप उनकी इन डेप्थ उनकी फीलिंग्स जान सकते हो समझ सकते हो सीख सकते हो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इन 3 दिनों में हम एक दूसरे से क्या क्या सीखेंगे. एंड थैंक यू राजन अंकल थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस लवली रिट्रीट फॉर अस. थैंक यू. Thank you so much. Thank you everybody for coming here and thank you Munjal family. You are my family now. Earlier also it was like this and now additional. So thank you everybody. Yes. Wo jackpot wali baat mujhe bahut achhi lagi. Jackpot wali baat bahut achhi lagi. Thank you so much. So, thank you very much. So should we start? Yes. So ek kaam karte hain abhi thoda because there are a lot of participants. We can take the share apne introduction maybe later on or I think I mean, we can just we can do because or else abhi hum break pe jayenge to you have an assignment kya kinhe bhi 5 logo se milna hai aur apne aap ko introduce karna hai. kinhe bhi 5 is minimum 50 is maximum. theek hai to break mein kya karoge har koi batao introduce. so you little hi I am Ashwin from Delhi और मैंने मैजिक बुक किया 3 साल से कर रही हूँ और मेरी लाइफ में यही मैजिक हुआ बस शॉर्ट में. फिर अगला हाय आई एम अश्विन फ्रॉम दिल्ली. फिर अगला ठीक है तो दिस इज हाउ वी विल इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. ठीक है ओके. सो आई थिंक एवरीबडी नोज मी बट जस्ट टू शॉर्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम राजन शाह. आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई एंड आई एम अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर. मैं सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स बनाता हूँ गवर्नमेंट के लिए एंड वी आर अ 3rd generation कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी. And I have offices in Mumbai, Nagpur, Pune, Aurangabad, Wardha and Amravati. So this is who I am a civil engineer by profession. Aur maine last 40 years mein jitne bhi cement concrete road banaye hain ek bhi road pe ek bhi khadda nahi hai. Mera sabse pehla jo cement concrete road tha wo Mumbai Central railway station hai uske bahar ka hai Maratha Mandir ke samne jahan abhi metro ban rahi hai. तो आधा रोड टूटा हुआ है क्योंकि उन्होंने ब्रेक किया है बट आधा रोड अभी तक इंटेक है. दैट रोड आई हैड मेड इट इन 1987-88 और वहाँ उसके बाद में मैंने नागपुर मुंबई कामटी वर्धा औरंगाबाद अमरावती पुणे पिंपरी न्यू मुंबई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जबलपुर आई हैव मेड वन रोड. सो दीज आर ऑल द सिटीज़ वेट आई हैव मेड सीमेंट कॉन्क्रीट रोड और वो अभी तक इंटेक्ट है कोई भी किसी को कुछ नहीं हुआ. So I have come here with my wife Chaya. So everybody knows her also mostly, yes. And thank you for coming. So we have created this retreat. अब हमने ये जो प्रोग्राम किया है और मैंने भी जो ग्रैटिट्यूड है आश्विन मैम से सीखा है. सो माई सेल्फ एंड आश्विन जी वेयर टुगेदर इन अ बिजनेस प्रोग्राम बाय राहुल जैन. राहुल जैन इज़ अ बिजनेस कोच जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया हाउ टू डू बिजनेस ऑन ऑटो पायलट. हफ्ते में एक दिन काम करो एंड यू हैंडल योर बिजनेस. सो दिस वॉज वंडरफुल थिंग्स दैट ही टॉट अस एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम फ्री. मेरा बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल रहा है. आई एम गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैं मांगता हूँ मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बिलो में काम मिलते हैं और मुझे एट पार में काम मिलते हैं. मतलब मेरे और कभी कभी उनमें 10 से 15% का फ़र्क होता है.
Now this is the magic what I have created. So let me share you a few more magics. So I have learned this technique from Rahul Jain. The law of attraction, manifestation, hota kya hai? वो उन्होंने मुझे सिखाया और उसके बाद में मैंने उनका प्रोग्राम 4 बार अटेंड किया. सेम प्रोग्राम आई वेंट टू दिल्ली 2 times आफ्टर दैट. सो 9 months आई वॉज गोइंग टू दिल्ली टू डू दिस बिजनेस प्रोग्राम और वहाँ पर मुझे उन्होंने ये टॉपिक सिखाया, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब मैं आपको, अच्छा माय वॉइस इज क्लियर, ऑडिबल, क्लियर, परफेक्ट. अच्छा, किसी को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे लोग हैं, एनीबडी? सो मैं क्या करूँगा, थोड़ा रिपीट करते जाऊँगा, इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स करके, और इंग्लिश भी थोड़ा सिंपल ही बोलूँगा मैं, राइट? तो वहाँ पर हमने 9 महीने में जो सीखा, तो हमारे सर जो राहुल जैन सर हैं वो इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं. उन्होंने जो शब्द बोला वो मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने मुझे ये बार बार बोलते थे कि जो मैं आपको 9 महीने में सिखा रहा हूँ ना वो इतना है. और मुझे मालूम है उन्होंने क्या सिखाया बिजनेस में, पूरा बिजनेस टर्न अराउंड करा दिया मेरा. इंडिया का 1 कोच है और वो बोलते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक दिस. आर यू गेटिंग दिस? 9 महीना दिस मच, विच वॉज ऑल्सो अमेजिंग, एंड 1 day मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप इज लाइक दिस. तब मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ दम है. And after that, I read lots of books on manifestation, law of attraction. बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, फिर टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम अटेंड किया. I have read lots of books. और मैं अगर कोई बुक पढ़ता हूँ तो मैं 1 बार नहीं 2-3 बार पढ़ता हूँ और उसके बाद उसकी नोट्स बनाता हूँ, सो दैट इट हैज़ टू गो इन साइड मी. और मैं भी आपको उसका भी कारण बताऊँगा मैं आज 2nd session में, वाई यू हैव टू डू रिपीटेशन. आपको रिपीट क्यों करना है, ये प्रोग्राम को रिपीट क्यों करते रहना है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी. आपका अभी आप जाओगे तो कॉन्शियस माइंड आपका एक्सेप्ट कर लेगा ये बातों को, पर सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेशन लगता है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन. जैसे हम बार बार अश्विन जी का क्लास सुनते हैं तो रिपीट हो रही है वो बात, रिपीट हो रही है, तब जाके माइंड प्रोग्राम होता है, तब जाके माइंड हमारा एक्सेप्ट करता है. द मोमेंट योर माइंड एक्सेप्ट, that is the time your inner being will change, right? So this is what I have learned, this is what I have experienced. I have experienced amazing magics in my life. Yahan tak ke jaise maine ye program kiya 2019 mein, so you can say technically I have been practicing this from 2020, you can say. So 3 saal nahi hue hain. Maine meri zindagi mein jitne properties liye hain mere life mein, इंक्लूडिंग माई फादर्स टोटल प्रॉपर्टी को मार दूं, उससे डबल मैंने प्रॉपर्टी अभी 3 साल में खरीदी है. सो आई हैव फुल फेथ इन दिस मैजिक, आई हैव फुल फेथ इन दिस टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज अ साइंस. मैं एक इंजीनियर हूं, धर्म थोड़ा कम समझता है, यू नो, बिकॉज इट इज अ बिलीफ, मतलब इट इज जस्ट अ बिलीफ. बट वेन इट इज साइंटिफिक, वेन इट इज प्रूवन, वेन इट इज एक्सेप्टेड बाय साइंस, then you cannot challenge it, right? So this is scientific. अब ये जो workshop है, मैं आपको in short इसकी summary बता देता हूँ मैं. इसका नाम है, I am the creator of my life. क्या नाम है? I am the creator. मैं मेरी जिंदगी बनाता हूँ. अच्छी, बुरी, right, wrong, whatever, but I am the creator. And this whole thing starts with, as far as I remember, because after reading all these books, so I would say it started from Gita. हमारी जो गीता है, वेदाज हैं, उसमें सब कुछ लिखा है, पर वो हमें किसी ने समझाया नहीं इस तरीके से. अब हमें इस साइंस को समझना है, तो फॉरेन ऑथर्स ने जो बुक्स लिखी उसमें से हमको समझ में आया. एंड देन वेन वी रिलेट टू कि एवरीथिंग इज रिटन इन गीता, सब कुछ गीता में लिखा हुआ है. सो इट इज अ एज ओल्ड साइंस, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइसेक न्यूटन, गौतम बुद्धा, स्वामी विवेकानंद, एलेक्जेंडर ग्राम बेल, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उसको साइंटिफिकली प्रूव किया और हमें समझाया है. अब ये जो साइंस आप सीखने वाले हो वो ये साइंस है, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग.
यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो. हैं, बीवी को समझाना मेरे हाथ में नहीं, और ये बोल रहा है मैं कैन डू एनीथिंग, बट यस यू कैन डू इट, इट इज अ साइंस. अब साइंस कहां चलेगा, नहीं चलेगा, बट पक्का फेल, साइंस इज साइंस. ओके, सो द पॉइंट इज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. सो दिस इज वॉट गौतम बुद्ध सेट. सो वी विल बिगिन विद गौतम बुद्ध कोट. गौतम बुद्ध सेट, वॉट यू स्पीक यू क्रिएट. नाउ दिस इज वन सेंटेंस. अगर आपने ये एक सेंटेंस आपने पूरा वर्कशॉप का समझ लिया, तो बाकी आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा. वॉट यू स्पीक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड वॉट यू विजुलाइज और वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट. सिंपल है, तीन लाइन का है गौतम बुद्ध का. सो आई विल सेंड यू ऑल द एवरीथिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू राइट, आई विल, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको भेज दूंगा मैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड, यू नो. सो सिंपल है, हम जो बोलेंगे वो हम बनेंगे. सिंपल है. अब हम बोलेंगे मैं मर गया तो मर गया, मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, तो वॉट एवर यू स्पीक इज राइट, एंड दैट इज वॉट यू आर डूइंग. यू आर द क्रिएटर, यू क्रिएट बाय वॉट यू से, राइट. सो दिस इज वॉट गौतम बुद्ध सेड. एंड वॉट यू विजुलाइज यू अट्रैक्ट. देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, मैं आपको लाइफ को कैसे क्रिएट करना इन द एरिया ऑफ, कोई भी एरिया हो, वेदर इट इज एरिया ऑफ हेल्थ. काफ़ी लोगों को हेल्थ चैलेंजेस आई है और काफ़ी लोगों ने उनको ओवरकम भी किया है, राइट. सिंपल टेक्निक हमने यूज़ की ग्रैटिट्यूड की, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे सिंपल टेक्निक है. पर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अब हम तीन चार दिन में पूरी की पूरी साइंस इसको हम सीख लेंगे. हम जो बोलेंगे वो क्रिएट होता है. वॉट एवर यू स्पीक यू आर द क्रिएटर. यू क्रिएट बाय वॉट यू स्पीक, बाय वॉट यू थिंक, वॉट यू बिलीव. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम आगे चलते हैं. दिस इज वॉट स्वामी विवेकानंद सेड. स्वामी विवेकानंद ने कहा, डोंट स्टॉप, कभी रुकना नहीं, एंड टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. पूरी जवाबदारी लेना अपने शोल्डर्स पे, एंड रिमेंबर यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. आप अपनी जिंदगी को बनाते हो. दिस इज वॉट स्वामी विवेकानंद सेड. और उन्होंने ये भी कहा, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप कुछ भी कर सकते हैं, जो सोचो वो कर सकते हैं. अब सिंपल है, स्वामी विवेकानंद गलत नहीं बोलेंगे, राइट. गौतम बुद्धा गलत नहीं बोलेंगे, दे आर गॉड. बट हमें किसी ने उसके आगे की टेक्निक नहीं समझाई कि मैं कैसे कर सकता हूं ये. हाउ कैन आई डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड देर इज अ साइंस. और इस साइंस को हम समझेंगे तीन दिन के अंदर. इज इट क्लियर एवरीबडी? वी आर द क्रिएटर, एक आप समझ लेना. और मानो नहीं मानो, स्वामी जी ने बोला है तो हम उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे कि येस आई एम द क्रिएटर. सो नाउ आई एम हियर टू लर्न हाउ टू क्रिएट माई लाइफ, हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इन माई लाइफ, मेरे रिलेशनशिप में, मेरी हेल्थ में, मेरे मनी एरिया में, और एनी अदर. आपकी कोई हॉबीज रहेगी, आपको कुछ भी क्रिएट करना है. और हम काफ़ी लोगों ने अभी लास्ट दो साल में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, कि बहुत लोगों ने तो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर्स को रॉन्ग प्रूव कर दिया है. देयर आर हाउ मेनी पीपल हु हैव चैलेंज द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने जो बोला उसका रिवर्स करके दिखाया आपने, राइट. मेनी पीपल, करेक्ट. सो देयर आर केसेस वेयर देयर वॉज अ लीवर ट्रांसप्लांट. डॉक्टर ने बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करना है. भूमि पेडनेकर, भूमि इज नॉट कम, शी वॉज टू कम एनी वे, शी इज देयर. उनको बोला था लीवर ट्रांसप्लांट करना है. उनके भाई का लीवर भी मैच हो गया, सब कुछ हो गया, यू नो दैट प्रोसेस एंड ऑल. बट शी वॉज फर्म कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगी. कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आया था, यू नो, वेरी स्पेशलिस्ट दिस वॉट एवर, बट शी वॉज द क्रिएटर. एंड शी सेड कि नहीं, मैं दवाई से ठीक होने वाली हूँ. इन 3-4 मंथ्स जब डॉक्टर ने वापस टेस्ट किया, बोले कोई जरूरत नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट का. आई एम द क्रिएटर, मेरा बॉडी, माई बॉडी हैज बीन मेड बाय माई सबकॉन्शियस माइंड. ये मेरे माइंड ने बनाया है. आएंगे आएंगे बाद में कराते हैं, मैं कराता हूँ. सो बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड शेयरिंग. सो देर वॉज वन डॉक्टर दीपक खेमानी फ्रॉम दुबई. सो वेन आई हैड गॉन देयर, उनका यूट्रस ऑपरेशन का जनवरी 2022 में उनको डॉक्टर ने बोला था यूट्रस निकालना पड़ेगा. एंड शी इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ. उन्होंने फिर आपके क्लास ज्वाइन किए, मेरे भी किए, वॉट एवर जो भी किए, जूम पे.
थैंक यू. सो द पॉइंट वॉज इन 3 months, 3 महीने के अंदर उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया. डॉक्टर बोला कोई जरूरत नहीं करने की. सो दिस इज द पावर दैट वी हैव. सो लेट अस लर्न दिस साइंस. तो ये साइंस की शुरुआत करेंगे हम. सिंस आई एम एन इंजीनियर, थोड़ा मुझे इंजीनियरिंग समझता भी है, पढ़ा भी हूँ एंड प्रैक्टिस भी किया हूँ. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद. नाउ ये बेसिक चीज है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा. सिंपल सेंटेंस है, दिस इज वॉट आल्बर्ट आइंस्टाइन सेड. आल्बर्ट आइंस्टाइन आई सपोज एवरीबडी नोज, राइट? आल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई वेरी नाइस साइंटिस्ट. उन्होंने ये एक बात बताई थी. सो दिस इज हाउ आई ऑलवेज स्टार्ट. ये जब तक आपको उनका जो फेमस फॉर्मूला था वो ये था, एवरीबडी नोज, जिनको पता है ये फॉर्मूला सबको पता है, राइट? ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर. ये उनका सबसे बड़ा क्रिएशन है. इसके आधार पे दुनिया की बहुत सारी चीजें इसके बाद में ओपन हो गई. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, ई का मतलब होता है, कैन एनीबडी हेल्प मी, ये एनर्जी है, एंड व्हाट इज दिस एम, एंड व्हाट इज दिस सी, कौन बोला, तो मुझे मानी यार, स्पीड ऑफ लाइट. ओके, अब ये फॉर्मूला जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, किसी को चैलेंज नहीं है इसमें. उनका ये कहना है एनर्जी इज इक्वल टू मास, ठीक है? अब ये जो c है वो कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड. सर सिंपल भाषा समझाओ, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड. गलत हो क्या मैं? 2.96 लैक्स ऐसा कुछ है, तो मैंने 300,000 राउंड ऑफ कर दिया है. 300,000 किलोमीटर पर सेकंड का ये कांस्टेंट है, ये करेक्ट. तो इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इनका ये कहना है एनर्जी इज इक्वल टू मास. अब ये बात आप समझ लेना, जब तक ये बात नहीं समझोगे आगे की कोई बात आपको समझ में नहीं आएगी. एनर्जी जो है इज इक्वल टू मास. एनर्जी का मतलब क्या है? फिर उन्होंने ये बोला एवरीथिंग इज एनर्जी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा सब कुछ एनर्जी है. मैं एक एनर्जी हूं, आप एक एनर्जी है, सब एनर्जी है. टेबल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ये इनका कैमरा एनर्जी है, दिस इज एनर्जी. ओके, सो वी आर ऑल एनर्जी. मेरा मोबाइल एनर्जी है, लैपटॉप एनर्जी है, बुक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी. एंड एनर्जी ऑलवेज इज इन मोशन. एनर्जी हमेशा एक फ्रीक्वेंसी में चलती है, बराबर है? कितने इंजीनियर्स हैं यहाँ पर अभी, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम यू नो समवेयर, राइट? सो एनर्जी ऑलवेज घूमती रहती है, फ्रीक्वेंसी में चलती रहती है. अब ये जो टेबल है ना, उसकी जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती है. ये पेन की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है, ये बल्ब, ये कैमरा, वॉट एवर दिस स्टेज, एनीथिंग, सबकी एनर्जी कांस्टेंट है. पर ह्यूमन बींग्स की एनर्जी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है. वी आर ऑल्सो एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. कैसे चेंज होती है? हमारे मूड के ऊपर. जब भी हम गुस्सा आता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है. समटाइम्स वी आर इन लव तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. व्हेन वी आर इन ग्रेटिट्यूड तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. सो ह्यूमन बींग्स कैन चेंज देयर फ्रीक्वेंसी. ओके, यहां तक समझ में आ गया? ह्यूमन बींग्स एक ऐसा इंसान है जो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं, राइट? अब दूसरा एक कहना है, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम समझने को आए. ये टेक्निक को यूज करके हम हमारे सपनों को कैसे पूरे करने वाले हैं वो इस टेक्निक से यूज करने वाले हैं. इस टेक्निक को समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ. एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. अब ये समझ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. आप जैसी एनर्जी हो वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे. सिंपल. अब आप गरीब एनर्जी हो तो आप गरीब लोगों को अट्रैक्ट करोगे और यू विल अट्रैक्ट मोर पॉवर्टी. आप बीमार हो, आपकी एनर्जीज, आपकी बोलने का ढंग, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके वाइब्रेशन,
आपका इनर बीइंग, आपका सोच, आपका बिलीफ कि मैं अब ठीक ही नहीं होने वाला हूं, तो यू विल अट्रैक्ट दैट एनर्जी. अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. आप बोलोगे कि बहुत पैसे मेरे पास, तो पैसे की तो बारिश हो रही है. सो योर एनर्जी चेंजेस टू अट्रैक्ट मोर मनी. सिंपल है. एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. जैसे आप एनर्जी हो वैसे ही एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हो. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? इट इज द लॉ ऑफ नेचर. ये प्राकृति का नियम है. दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर. इसको इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, सबको लागू होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है? एनीबडी? किसी भी चीज को फेंकेंगे तो पक्का नीचे गिरने वाला है, वेदर आप इधर लोनावाला में फेंको, बंबई में फेंको, दिल्ली फेंको, अमेरिका फेंको. तो दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर है, वो प्राकृति का नियम है. सेम थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ नेचर. इट विल, इट इज इनफेलिएबल. वो अटूट है, वो होने वाला ही है, चाहे आप मानो या ना मानो. अब आपको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैनॉट सी. वी कैनॉट सी इलेक्ट्रिसिटी. देख सकते हैं क्या? पर हाथ लगाओ तो करंट लगता, तब जाके समझ में आता है. देर आर लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी कैनॉट हियर. जो डॉग रहता है तो डॉग को अपनी जो विसल रहती है, डॉग विसल, वी कैनॉट हियर, डॉग को सुनाई देता है, राइट? सो देर आर सो मेनी स्मेल्स जो ह्यूमन बींग्स को नहीं समझ में आ रही है, पर दे आर देयर, राइट? सो सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, जब हमने इसको अप्लाई किया हमारी लाइफ में, जब हमने उसको पॉजिटिवली अप्लाई किया, तो धीरे धीरे वैसे पॉजिटिव लाइफ होने लगी, वैसे मनी अट्रैक्ट होने लगा, हैप्पीनेस आने लगा, पीसफुलनेस आया, शांत होने लगे, आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ. सो वॉट आई अंडरस्टूड वॉज, इफ आई चेंज माई बींग देन ओनली आई विल अट्रैक्ट. वो आई विल अट्रैक्ट हैज पर माई बींग. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इट इज सिंपल साइंस. इट इज सिंपल साइंस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट्स. सिंपल है, आई विल नॉट कॉम्प्लेन. ये बहुत डीप है, उसमें हम बहुत डीप जाएंगे, पर एक ही सिंपल है, हम सब एनर्जी है. हमारी जैसी एनर्जी रहेगी वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे? कोशिश ये करेंगे, हमारी एनर्जीज को रेस करेंगे, अच्छी करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, हाई एनर्जी में आएंगे, तब जाके हमारे सपने पूरे होंगे. हमारी एनर्जीज को हम रेस करते हैं. कैसे? वो हम एक दिन दो दिन सो, जैसे हमारे फीलिंग्स को रेस करते हैं. सो फीलिंग्स में आता है मतलब जैसे ग्रेटिट्यूड, लव, उसकी उसको हम करेंगे, बढ़ाएंगे, वो हम आपको सिखाएंगे. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कैसे, तो वो एक दो दिन में और टोटल में आएगा पूरा कंप्लीट करके. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड लेट मी मेक इट वेरी शॉर्ट. मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कुछ मांगना, टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स. इट इज अ साइंस टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स. आपके सपने पूरे करने का ये एक टेक्नोलॉजी है. मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग. कोई भी चीज को आप फोकस से, ध्यान से देखोगे या अट्रैक्ट करोगे, कोई शिद्दत से चाहोगे, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टू यू. सो दिस इज अबाउट मैनिफेस्टेशन. सिंपल लैंग्वेज है, जो शाहरुख खान ने एक बार पिक्चर में बताया, वो किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात जुड़ जाएगी उसे दिलाने के लिए. एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर ऑल्सो. शिद्दत से चाहना. आर यू गेटिंग इट? कितने लोगों को समझ में आया कि कोई चीज हम जब शिद्दत से चाहते हैं वो हमें मिलता है, राइट? मिलता है ना? सो दैट इज द टेक्निक. अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे फॉर अदर एरियाज ऑफ अवर लाइफ, वी विल गेट सिमिलर रिजल्ट्स इन एवरी एरिया ऑफ अवर लाइफ. सिंपल है. सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स लाइक एनर्जी. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी. एंड यू अट्रैक्ट, यू विल. देखिए अभी आपको बताता, मतलब हमारे में इतना पावर है कि आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो और जो भी फील करते हो, यू विल अट्रैक्ट. सिंपल. अब नाउ यू आर फीलिंग, अरे मेरे को नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरा लॉस हो जाएगा, या सामने वाला पैसा नहीं देगा, नहीं मेरा ये डॉक्टर बराबर नहीं है, मेरा तबीयत तो ठीक ही नहीं होने वाली, अब ये मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब बूढ़े में मेरी एनर्जी नहीं रहती है. सो दैट इज योर बिलीफ, दैट इज वॉट यू थिंक, एंड यू विल अट्रैक्ट. सिंपल. ये किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा,
गीता में लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना हम हमारी सोच को चेंज कर दें। Why don't we change अवर थॉट्स? आई एम इन अबंडेंस। बहुत पैसे, पैसे की तो बारिश होती है, जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। सो नाउ दिस इज द वे टू बिकम अ क्रिएटर। अभी ये मैं आपको इन शॉर्ट इसके लिए बता रहा हूं कि हम जो बोलेंगे उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल, देर इज वन वर्ड कॉल एज आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा का मतलब एक्चुअली ये होता है, देर इज वन साइमंस करके है, उन्होंने ये बनाया, वॉट आई स्पीक इज वॉट आई क्रिएट। रिमेंबर दिस, वॉट एवर यू स्पीक यू विल क्रिएट। सो नाउ आई विल स्पीक ओनली वॉट आई वॉन्ट। हमें हमारे सपने पूरे करने हैं। सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल गिव यू दैट बुकलेट ऑल्सो, वर्कशॉप बुकलेट ऑल्सो, सो वेर यू कैन राइट योर ड्रीम्स। वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर ड्रीम्स एंड वी आर गोइंग टू अकम्प्लिश देम स्टेप बाय स्टेप, राइट? सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। एनी क्वेश्चन ऑन दिस टू? मैंने एकदम सिंपल किया है, इसको मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बट इतना ही सिंपल समझो तो बहुत हो गया हमारे लिए। और हाउ डज इट वर्क लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है, सी इज कॉन्स्टेंट, सी इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज अ मास, ओके, माई बॉडी इज अ मास, दिस पेन इज अ मास, माई हाउस इज अ मास्क, माई कार इज अ मास, राइट? माई बॉयफ्रेंड इज अ मास, माई गर्लफ्रेंड इज अ मास, एवरीथिंग इज अ मास। सो एवरीथिंग इज अ मास एंड ई इज इक्वल टू मास। ई कौन है? एनर्जी, मैं ही एनर्जी हूं। सो एनर्जी इज इक्वल टू मास। आपकी जैसी एनर्जी है वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, सिंपल है। अब आपका काम यह है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोच है, आपके जो वर्ड्स जो बोल रहे हैं, आपके जो विश्वास है, आपके जो धारणाएं हैं, उनको पॉजिटिव कर लो। उनको सिर्फ एंड सिर्फ हैव इट फोकस्ड ऑन योर गोल्स, ड्रीम्स एंड डिजायर्स। द मोमेंट व्हेन यू आर फोकस्ड, इट इज द साइंस ऑफ योर फोकस। आप जो भी चीज को फोकस करोगे एक्सपांड होती है। जैसे कि बहुत टाइम लगता है कि नहीं नहीं अभी मैं पैसे नहीं कमा सकता, आई एम इन अ लॉस, यू नो, 7:30 लग गई है, तकलीफ आ रही है यहाँ से वहाँ से, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जीज जो है, सोचने वाली एनर्जीज, दे आर ऑल नेगेटिव एंड नेगेटिव एनर्जी विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव और नेगेटिव। कितने लोगों को सपने हैं? यू आर हेयर फॉर अ ड्रीम बिकॉज नेक्स्ट 3 days आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर सपने हैं तो बैठो रूम में, नहीं तो बाहर जाओ हवा खाओ, फायदा नहीं है रहने का। सो आई गॉट योर पॉइंट्स, थैंक यू वेरी मच। सो अगर सपने हैं तो जो सर बोल रहे हैं ना, ये एक एक शब्द ऐसा है जो दिमाग में जाना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर योर अवेयरनेस, फॉर योर क्वेश्चन एंड बीइंग अलर्ट। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, रेज योर हैंड, स्पीक इट आउट। एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, इट इज़ नॉट विजिबल टू यू। तो कुछ कुछ चीज़ों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जीज काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सपने हैं, मनचाहा सपना है, वहाँ तक पहुँचना है, तो किस तरह की एनर्जी आपको वहाँ तक ले जाएगी? जो कि सपना कहाँ होता है? सपना जब देख रहे हो तो बंदा यूँ देखता है हमेशा। कहाँ देखते हो? यूँ या यूँ? मोस्टली अपवर्ड, यू सी अपवर्ड। आप ऊंचा उठना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो, तो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू रियली राइज अपवर्ड फॉरवर्ड? रियली राइज अपवर्ड फॉरवर्ड, ये आई लाइक दिस पीपल। ओके, दोज हू, एनी 5 volunteers प्लीज कम आउट। कोई भी 5 लोग बाहर आ जाओ, 1 मिनट, जो ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आज 5 लोग फटाफट फटाफट 5 लोग आ जाओ। ओके, 1 मिनट, दिस आई डू लेटर। ओके, एनी 5 पीपल, कम फास्ट। आई नो दिस इज माय फेवरेट डेमो अमंग हंड्रेड्स ऑफ देम। आ जाओ, कम बैठो, बिल्कुल ये स्ट्रांग आदमी है, आ जाओ, बैठो एंड 4 more इधर बैठो। ओके, सो राइट नाउ दे हैव I'm not asking for, वैसे काफी जैसा positive energy नहीं हो, पर अभी आप कुछ भी सोचो ऐसा जो कि random, nothing very very positive but random। अरे यार आज थक गया था, आ रहा था, दूर था, कुछ भी random, okay? And now we will, आपको कुछ सपना होगा, आंखें बंद कर लो, उसको सोचना है। And you 4 अपनी energy use करोगे और इनकी energy को हम use करेंगे, you will try to uplift him, not with a pressure, but you will see कि इनको उठाना आसान है कि नहीं है।
उठना मतलब कि इनकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठ पा रही है कि नहीं उठ पा रही है. व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू mc2. ओके, तो वी विल सीट ऑन द मास फर्स्ट. ओके, तो आ जाओ चारों. तो कैसे करना है हमने? ना हाथ को नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल इजी. ओके, यानी कि हमने उठाने की कोशिश करना है, हमने सिर्फ इजीली ट्राई करना है विद जस्ट टू फिंगर्स. ठीक है, तो आपने दो फिंगर्स के साथ यूज करना है. तो आपने क्या, इनके पैरों के नीचे रख लो, रख लो. आपने कुछ नहीं करना, अपना हाथ बंद करके रखना है आपने. आप करो विद योर टू फिंगर्स, विद योर टू फिंगर्स, टू फिंगर्स बिलो द शोल्डर, बिलो द शोल्डर. आपके बाल बांध लो, रबर रबर है हाथ में. ओके, सो आपने कुछ नहीं, लाइक नॉर्मली जैसे ये हाथ है इनका, तो आपने अपने टू फिंगर्स लेनी है हाथों के नीचे यहाँ पर. ओके, एंड व्हेन आई विल से 1 2 3, आपने सिर्फ अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है, आपने पैरों से अपलिफ्ट करना है. करो, आप आओ, पूरा प्लेस्ड है नीचे, आपका प्लेस्ड है, प्लेस्ड है. आप ऊपर चले जाओ, बेशक आप नीचे. बॉयज अप, गर्ल्स अप. आपने सिर्फ इनको ऊपर उठाना है. ओके, बनाए से अपलिफ्ट. आप रैंडम सोच रहे हो जो मर्जी सोच रहे हो इस समय. एंड आई विल से 1 2 3, ट्राई टू अपलिफ्ट. आप पूरा फिंगर्स नीचे ले जाओ. 1 2 3, करो करो. क्या लग रहा है, फील क्या हो रहा है इस समय? हाँ हाँ, बहुत हैवी है. ओके फाइन, गॉट इट. ओके, सो बहुत हैवी है. आपको कैसा लग रहा था? हैवी है, भारी भारी. आपको कैसा लग रहा था? वेट तो है. हाँ, लाइट. अब पैर जो थे ना नीचे. But whatever, but he couldn't be lifted very well. अभी हम इसी के ऊपर हल्का सा डेमो करेंगे. ओके, एवरी वन जस्ट फोल्ड योर हैंड्स. आप भी, और कुछ भी शुक्राना सोचो, कुछ भी. जस्ट थिंक ऑफ समथिंग गुड. लुक अराउंड इन द रूम, लुक अराउंड इन द रूम एंड से वाओ, कितने अच्छे लोग आए हैं. वाओ, कितनी प्यारी लाइट्स हैं. वाओ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन द रूम. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन दिस ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड लोनावला. I'm so happy. And now we will pass on this energy to each other. Because energy, if it's positive, then you can give it to each other. It's okay to pass on. So, whatever their dream is, you keep your eyes open, think about your dreams. We will see whether you can really rise towards that. Okay? And you have to bless them with your positive energy. Just pass your energy to him. How do you do it? You have to do it with your hands. No, मैं कर रहा हूँ. ओके, सो लक नॉर्मली जैसे आप किसी को ब्लेस करते हो विद योर लेफ्ट हैंड ऑल्सो, अपना लेफ्ट हैंड भी यूज करो. छूना नहीं एक दूसरे को. आपकी एनर्जी अभी स्टैटिक नहीं हुई ना, छूना नहीं है आपको. ये अंदर रहना, देखो. ओके, सो आप जब एनर्जी पास करते हो, इट्स ऑलवेज लाइक एनर्जी सर्कल. तो हम एक सर्कल में, ठीक है, तो हम अपने सर्कल जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो पास कर रहे हैं. Right hand, right, 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 left, 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 left. And now feel grateful. अपने अंदर कुछ भी positive सोचो. Wow, I'm very grateful. I'm very energetic. I'm feeling nice. Very good. अब एक एक करके वापस कर लो. अपना वापस लेना शुरू करो. And now again lift him. एक एक करके वापस लेकर lift him. 1 2 3. Most positive so far in my life. As if I'm going, by nature I'm a pilot, just to let you know guys. I love flying, but this experience was way better than that. It's my by nature pilot who it's like 737 I co-piloted, but jitna maza zindagi mein usse acha hua as if I was in cloud. Wow.
without the vessel. The first time when I when we were trying to lift you up, it was a bit heavy, but abhi aisa hua ki bas touch kiya and it went smoothly. Thank you so much. First time mein to bahut heavy tha, upar hi nahi ja raha. Second mein bahut easily ho gaya tha. So it was truly a difference. When we first इस बार बिल्कुल नहीं लगा मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फीलिंग्स यू ट्राई टू क्रिएट फॉर अस. या Yes. इनिशियली ना ऐसे लग रहा था कि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन सेकेंड टाइम तो ऐसा लगा कि फिजिकल कुछ था ही नहीं, बस थैंक यू मन में चल रहा था एंड हैपेंड. मैम इसमें जो गेम चेंजर था वो यही था जो आपने विजुलाइज कराया ना कि आपने यहाँ व्हाट आर द ग्रेटिट्यूड वी आर हैविंग व्हाई वी आर हियर एंड व्हाट हैज ब्रॉट अस हियर. सो ऑल दैट एनर्जी एडेड एंड वी कुड गिव देम इजी. ओके, सो लेट मी शेयर विद यू सम रूल्स ऑफ द सेशन ऑफ द वर्कशॉप व्हिच आई हैव रिटन डाउन. ऑल सेशन स्टार्ट्स एट द टाइम मेंशन, जो भी टाइम हमने मेंशन किया उसी में शुरू होगा. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी के 5 मिनट पहले आवे. हमने कुछ म्यूजिक, मैंने 2-3 गाने सिलेक्ट किए हैं एवरी सेशन में बिफोर एंड आफ्टर, तो यू कैन जस्ट सी दैट, सो यू कम इनटू दैट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हम एक मूड में आ जाएंगे ऐसा करके. सेकंड है, योर सोल इंटेंशन इज टू लर्न द साइंस ऑफ सक्सेस एंड बिकम द क्रिएटर. आप यहाँ आए हो 4 दिन के लिए टू क्रिएट समथिंग, सो लर्न द टेक्निक, लर्न द साइंस विच आई एम गोइंग टू वी आर गोइंग टू शेयर स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं एंड हाउ टू बिकम अ क्रिएटर. हमारे जिंदगी के बड़े बड़े सपने हम कैसे देखेंगे और कैसे पूरे करेंगे, आपका सोल इंटेंशन ये होना चाहिए कि सपने कैसे पूरे करना, उसकी साइंस सीख के जाऊं मैं. राइट, मैं आपको अभी सबके सपने भी लिखवा दूंगा. आई थिंक दोज बुकलेट्स हैव थोड़ा आगे पीछे हो गई है, द वर्कशॉप मैनुअल विच यू विल गेट इट अदरवाइज. सो इन दैट बुक वी आर गोइंग टू राइट अवर ड्रीम्स, गोल्स एंड ऑल द प्रोसेसेस आर रिटन इन दैट बुक. राइट, यू विल गेट द बुक टुमारो, मे बी इफ इट कम्स बाय इवनिंग. So that is one thing. Make some notes and share your learnings and experience. Now since you are here for 4 days, jabhi bhi aapko break milta hai, jaise madam ne bola, 5 logon se aap introduce kare apne aap ko. And what did you learn out of this session? Maybe you can share your experiences, you can share your magics. Baki time waste mat karna, because in this 4 days we want to create something really big for our life. Bade bade sapne pure karne hain. सपने को लिखाएंगे, मैं कैसे लिखना वो भी हम करा देंगे, हाउ टू सी बिग, क्योंकि आज तक हमें किसी ने भी नहीं बोला कि बड़े सपने देखो, हम बहुत बड़े सपने देखने वाले हैं. राइट, अब तक तो ये सिखाया था, इंक्लूडिंग माय फादर, छोटे सपने देखो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, जितने चादर है पांव फैलाओ. राइट, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव हर्ड दिस? राइट, अरे ज्यादा हवा में मत उड़ यार, ये तू राजन वाजन जो बोलता है वो. राइट, ओके सर, ही इज माई सन यंग वन. सो ओके, सो लेट मी कम, आई विल इंट्रोड्यूस देम. सो लेट, ओके ओके, प्लीज कम 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 धोनी. सो ही इज माई यंग सन संकेत, तो ही इज विथ मी इन माई बिजनेस, ही इज इन माई, ही इज नाउ हैंडलिंग माई पुणे वर्क, एंड शी इज माई डॉटर Dhwani, daughter in law. और मेरे समधी भी आए हैं, सो Dhwani's father, राजेश जी.
एंड मीना जी द मदर. कम कम आजा 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 दो मिनट के लिए. ये थैंक यू फॉर कमिंग. सो ही सपोर्ट्स मी इन माय नागपुर वर्क. सो ही हैंडल्स माय पुणे ऑफिस एंड माय एल्डर सन ही हैंडल्स माय पुणे ऑफिस. सो नाउ आई हैव मुंबई पुणे एंड नागपुर दे आर मेजर सेंटर्स एंड फ्रॉम नागपुर वी हैंडल लॉट ऑफ अदर प्लेसेस इन. So let me come back to the rules of the game. So we do not encourage any alcohols or drugs. So kindly avoid them. Or peena hai to apne room mein piyo. Idhar mat aa. We don't encourage. Room mein piyo koi vaanda nahi hai. But phir idhar nahi aana. Okay, keep changing your seats. So now this is one important thing. Abhi aapne kya karna hai? So next time onwards, try to change your partners. You know, don't sit with your friends, with your family. So make friends because this is one big family. Aur aapka ek aur purpose ho jayega. That will be bonding and networking. सो यू विल बॉन्ड विद पीपल, यू विल शेयर, यू विल लर्न फ्रॉम अदर पीपल. शेयर करोगे तो बाजू में बैठोगे तो यू स्टार्ट नोइंग ईच अदर, राइट? सो कीप ऑन चेंजिंग इफ पॉसिबल, जस्ट कीप ऑन चेंजिंग योर सीट, जस्ट रोटेट योर सीट्स. ओके, क्लिक एज मेनी पिक्चर्स एज यू कैन एंड देन शेयर देम इन द ग्रुप. मजा आएगा. सो दीज आर गुड मेमरीज एंड कीप शेयरिंग योर मैजिक्स इन योर लाइफ. सो मैं आपको आज बता रहा हूँ, देखो आपके जिंदगी में जितने भी जादू हो रहे हैं, मैजिक्स हो रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कीप ऑन शेयरिंग देम. बिकॉज वेन यू शेयर देम, your mind starts believing more in magic. Simple technique hai ye. Your mind starts believing more in magic. Arey mere sath to jadoo hua, arey mere sath to jadoo hua. Ab main mere jadoo bataunga ek ek se, like, so I mean then I keep on sharing. So everybody should share. Ya to group mein share karo ya kisi ko bhi batao ke bhai jaise keep on asking each other ke bhai life mein jadoo kya hua hai. It is very important because your mind has to start believing. Mind kaise kaam karta hai main aapko pura ka pura aaj science bata dunga. और इस माइंड से हम कैसे काम करेंगे द लास्ट इवनिंग सेशन 4 to 6 वाले में. उसके बाद में कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट. द सेशंस मोटो, हमारा ये जो मोटो है इज वर्ल्ड पीस एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस. सरबत का भला, दैट इज बिकॉज सरबत का भला का ऐसा होता है व्हेन एवरीबॉडी स्टार्ट्स ब्लेसिंग ईच अदर बिकॉज वी आर एनर्जी. अब हमें समझ में आया कि हम एक एनर्जी हैं. अब हमने अगर सबका भला ही सोचा तो सब लोग मेरा भी तो भला सोचेंगे, राइट? एंड योर मैनिफेस्टेशन बिकम्स फास्टर. मैनिफेस्टेशन क्या है? सपने पूरे करने का साइंस है. सपने पूरे ऐसे होते हैं जब हम मैनिफेस्टेशन सीख लेते हैं. मैनिफेस्टेशन क्या है? अभी हम डिज्नीलैंड गए थे तो वहाँ पर वो टिकट मिलती है, वो फास्ट ट्रैक टिकट. सो फास्ट ट्रैक टिकट में क्या होता था, सो व्हेन आई वेंट टू डिज्नीलैंड नाउ, हमने लास्ट राइड ओनली बिकॉज छाया एग्रीड शी वॉज टायर्ड. 12:30 बजे हम एक लाइन में खड़े थे और वहाँ लिखा था वेटिंग पीरियड 1 आवर. तो 1:30 बजे हम लोग वो राइड में बैठे थे. विच वॉज दैट राइड? वन राइड, सो आई डोंट रिमेंबर विच वन. रात को 12:30 बजे. सो नाउ द पॉइंट इज, अगर मेरे पास उस दिन फास्ट ट्रैक टिकट होती थी तो मैं फटक से अंदर घुस जाता था. मैं फास्ट ट्रैक टिकट मिलती है वहाँ पर, फास्ट ट्रैक टिकट में लाइन कम होती है. तो जब आप मैनिफेस्टेशन सीख जाओगे ना तो आपको 12:30 बजे तक जगना नहीं पड़ेगा. फास्ट ट्रैक में फटाफट नंबर लग जाएगा आपको. जैसे मतलब यू नो सपने तो ऐसे पूरे होते हैं. सो लेट मी गिव यू सम, सो लेट मी कंप्लीट, वन मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस. सो ड्यूरिंग द ब्रेक यू हैव टू टॉक एंड शेयर टू 5 different people एंड अप्रिशिएट समवन फ्रॉम अवर वर्कशॉप. सो वॉट यू कैन डू ऑल्सो इज यू सी, दिस इज नाउ प्रैक्टिस, वी आर प्लेइंग अ गेम. अब हमने तारीफ करने की प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू. ओके, सो वन मोर रूल ऑफ द गेम. आज हमारे 4 दिन के वर्कशॉप में हमारा एक रूल होता है, हम एक कंप्लेन बॉक्स बनाएंगे, वो हम यहां कहीं रख देंगे. ओके, नाउ लिसन, वी वॉन्ट टू बिकम द क्रिएटर. आपको क्रिएटर बनना है, राइट? राइट? कुछ इंपैक्ट नहीं गिरेगा ना तब तक आप सुधरोगे नहीं. तो हमने क्या किया था, पेंच में हमने कंप्लेन बॉक्स बनाया था. जो भी कोई कंप्लेन करेगा उसको 100 रुपये डब्बे में डालना पड़ेगा. वो बन गया अभी. जो भी कोई कंप्लेन करेगा,
बहुत लोगों ने तो मन में कंप्लेन किया था, वो भी आके पैसे डाल के गए थे, डाले थे। हमने 24,000 कलेक्ट किए थे पेंच में, एंड एवरीबडी पुट इन। आई विल टेल यू व्हाई यू डू इट। व्हेन यू विल पनिश योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम यू विल स्टॉप कंप्लेन, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लेन नहीं करना मुझे, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ द गेम। वो बॉक्स बना देंगे हम अभी ब्रेक के बाद में, अभी तक का भी कंप्लेन का डाल दे तो 5,000 तो 25,000 तो कब जाएंगे 2,000। सो माई पॉइंट इज आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्रेन यू नॉट टू कंप्लेन, बिकॉज हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है वो आपको कल समझ में आएगा। बट अब हम एक डिसाइड करेंगे, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, और कंप्लेन करेंगे तो 100 रुपया प्रेम से डाल देना, बिकॉज दिस इज फॉर द बेटरमेंट, दिस इज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ योर सेल्फ, राइट? सो वी विल हैव अ, दिस इज वन ऑफ द अनदर रूल। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू शेयर एंड थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स हैव अ चाय कॉफी एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। वाओ, बहुत ही अच्छे लग रहे हो यार, दिल्ली से आए हो स्पेशली अटेंड करने के लिए, आप दुबई से आए हो स्पेशली अटेंड करने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। जो दूसरे में अच्छा लग रहा है, कुछ भी पॉजिटिव लग रहा है, तो क्या गेम है हमारी? तारीफ पे तारीफ, ठीक है? तो अभी हम एक गेम शुरू कर रहे हैं, 5 लोगों से मिलो, अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, कुछ तो अच्छा ढूंढो उसमें तारीफ करने के लिए। इतने प्यारे बिंदी लगाई है शोना बाबू ने, थैंक यू फॉर बीइंग सो वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैप। मतलब आप दोनों में मैचिंग लग रहे हैं दोनों, चाय हो गया क्या? हम दोनों को लग रहा है हम कुछ करके आए हैं। सो देयर दिस, आप तो सदाबहार हो, सदाबहार, वाओ। सो एवरीवन विल फाइंड समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, टू बी अप्रिशिएटिंग अबाउट, एंड द गेम बिगिंस राइट नाउ। चलो शुरू हो जाओ। राजन जी, हाँ जी, छुट्टी, चाय हो गया? नहीं बजे अभी? 4 नहीं बजे इन्होंने? ओके, ब्रेक, थैंक यू सो मच। ओके, सो वी एक्चुअली अभी समझ में आया कि 4 बजे चाय देने वाला है, तो लेट मी शेयर विथ यू सम ऑफ माय मैजिक्स दैट इज हैपन जो मैंने। हाँ जी, वो तो आपका छक्कल से हमें समझ में आ जाएगा। जब आपका चेहरा हंसता हुआ दिखेगा ना, समझ आ रहा, वाओ। ओके, सो लेट मी शेयर विथ यू सम फ्यू। देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? कुछ तो भी सोचना, उसके ऊपर फोकस करना और उसको पाना, सिंपल। विथ हाई पॉजिटिव एनर्जी, व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट, यू विल गेट इट। बट उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, वो हम कल परसों समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज है, जिसको भी हम फोकस करेंगे उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। मेरी वो एक्चुअली अभी थोड़ा वो बुक्स कम है मेरे पास, हा? तो जितनी है उतने दे दूं मैं सबको, जितनी है, बिकॉज दिस इज वेरी ओके। सो वन थिंग विच इज बेसिकली द बेस ऑफ एवरीथिंग, हम अभी अगला सेशन जब आएगा तो थोड़ा सा जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज है, समथिंग दैट यू डोंट वॉन्ट, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, तो अपने पास पेपर पेन सब लेके आएंगे। वी विल डू अ लिटल रिचुअल, और अपने आपको ड्रेसअप थोड़ा ऐसा कीजिएगा कि अगर हम वाटर्स की तरफ बाहर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द सेशन, तो आप लोगों को बाहर पानी में जाने के लिए अगर रेनकोट पहनना है या अम्ब्रेला लेना है तो लेके आइएगा। सो वी विल डू समथिंग विच इज कॉल्ड ड्रेनिंग आउट द इमोशंस विच आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी ने कुछ बोल दिया जो अच्छा नहीं लगता, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया जो आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा, अगर आप वो लेकर बैठे रहोगे ना तो अगले 3 दिन थोड़ा भारी रहोगे। तो हु आर ऑल रेडी कि आप उसको ड्रेन आउट करना चाहते हो, फ्लश आउट करना चाहते हो अपने सिस्टम में से, ठीक है? तो आप अपने साथ पेपर पेन लेके आइएगा, वी विल राइट डाउन वट एवर यू विल राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रेन आउट, और उसकी हम एक पेपर बोर्ड बनाएंगे। पेपर बोर्ड समझते हो? वाओ। एंड देन वी विल गो टू अ नेचुरल रिजर्वायर ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड, यहाँ पर एक मतलब नेचुरली मेड एक पॉन्ड है जिसके अंदर सच में इट हैज़ अ पावर विच इज जो कहते हैं सोख लेता है अपनी तरफ, तो हम वहाँ पर उसको दे देंगे हम उनको दे देंगे, ठीक है? तो वो एक बहुत नहीं, जलाना नहीं है, बहाना है, चलाना है, चलाना है, बहाना है।
ओके, तो हर कोई अपने साथ पेपर पेन, किसी की हो सकता है लंबी लिस्ट होगी तो लंबा पेपर लेके आना, ठीक है? छोटे हम यहीं पर लिखेंगे आफ्टर द ब्रेक. सो एवरी वन, जिस जिसको जितने गालियाँ देनी है, जो बुरा बोलना है, किसी ने जो भी आपको कहा जो कि उसको नहीं कहना चाहिए था, अपने सिस्टम में से बाहर निकालना है. चाय वाय पी के आएंगे वापस और उसके बाद हम वो काम शुरू करेंगे. एंड वंस यू आर फ्री ऑफ व्हाट यू डोंट वांट, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, देन वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो व्हाट यू वांट के अंदर अपना खुल के जो चाहिए, बिजनेस में चाहिए, रिश्तों में चाहिए, अपने करंट फ्यूचर कोई भी रिलेशनशिप में चाहिए, सेहत में चाहिए, यंगनेस स्मार्टनेस चाहिए, जो चाहिए जो चाहिए ये भी सोच के आना. पर वो जो चाहिए वाली स्पेस तब तक नहीं खुलती जब तक जो नहीं चाहिए वाला है उसको खाली नहीं करोगे, ठीक है? तो उसको थोड़ा खाली करेंगे हम ब्रेक के बाद और अपने पेपर पेन के साथ वापस आना है. तो राजन जी, हाँ बोलो, तो उधर जाने को बोला वो उसी समय बता दूंगी ना, व्हेन यू विल बी राइटिंग, ठीक है? आप पेपर पेन लेके आओगे, वी विल डू द एक्सरसाइज एंड देन वी विल गो आउट. और जिसको अगर बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके इफ यू वांट. अरविंद सर, जिनके कितनों के पास रेनकोट्स नहीं हैं? हाँ, रूम से तो लेके आओगे. यहाँ तो मैं भी नहीं लाई हूँ. रूम के अंदर जिनके पास नहीं है रेनकोट, वो अरविंद सर को कांटेक्ट करें. ओके, क्यों लाएगा? वो बहुत लाएगा. वे वाओ. सो ओके, सो जस्ट Now we are the creators of my life. I am the creator of my life. जो creation का process है वो थोड़ा मैं आपको simple समझा देता हूँ. Creation का जो process है, पहला step जो है वो है मांगना, ask. Always remember, जब तक आप नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा. You have not because you ask not. आपको इसके लिए नहीं मिला क्योंकि आपने मांगा ही नहीं. अब हम आपको मांगना सिखाएंगे. अब इसके पहले हमें ये सिखाया गया था, ज़्यादा मत मांगो, लालचू है ये तो, ग्रीडी है, यू नो, ये तो हमेशा मांगते ही रहता है. बट हम किससे मांग रहे हैं? हम यूनिवर्स से मांग रहे हैं, राइट? वी आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स और यूनिवर्स देने को बैठा है. यूनिवर्स इज विलिंग, जो जितना मांगेगा उतना मिलेगा, राइट? एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन. ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने मांग लिया तो मुझे नहीं मिलेगा या मैंने मांग लिया तो इसको नहीं मिलेगा. सबको मिलने वाला है बिकॉज देर इज़ नो कॉम्पिटिशन इन द यूनिवर्स. हम जो मांगते हैं वो यूनिवर्स से मांगते हैं, ब्रह्मांड से मांगते हैं. ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका मैं एक आपको थोड़ा एक जस्ट सैम्पल देता हूँ. एट द स्पीड ऑफ लाइट इट टेक्स 1 सेकेंड फ्रॉम द मून टू ट्रेवल टू द अर्थ. 1 सेकेंड में आप आ जाओगे. सो मोर ऑर लेस मून का जो डिस्टेंस है 300,000 किलोमीटर है, ठीक है? इट टेक्स 8 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ. 8 मिनट लगती है. कितनी? 8 मिनट, राइट? क्योंकि सन बहुत दूर है. अब अगर आपको पूरा ब्रह्मांड को घूमना है, मतलब ब्रह्मांड इंक्लूड्स ऑल द प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स, जो भी मिल्की वे, ये वो, इतना बड़ा बड़ा बड़ा, उसको 1,000 साल लगेंगे पूरे यूनिवर्स में घूम के आने को एट द स्पीड ऑफ लाइट. ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये, और हम लोग जो हैं उस ब्रह्मांड के एक डॉट अर्थ है, राइट? वो अर्थ के अंदर हम बैठे हैं और अर्थ के अंदर भी एक इंडिया है और इंडिया के अंदर एक महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र के अंदर हम कुछ भी नहीं है. We are dot. Are you getting this? Yes. And now, but you have the power to connect to this infinite bada universe. Jo sab kuch chala raha hai, wo aapke sapne to aise pure karega. Are you getting it? Aise pure karega sapne to. Aise. Kitne ke hue sapne pure abhi tak? Hue hai na? Bade bhi honge abhi. पर सोचा ही नहीं, बड़े सपने के बारे में सोचा ही नहीं तो कैसे पूरे होंगे. अब हम आप इसको सिखाएंगे कि आस्क, मांगो, लिख के तो रखो, बिकॉज राइटिंग हैज़ गॉट लॉट ऑफ पावर. जब हम लिख लेते हैं तो अमेरिका में उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे ये समझ में आया कि योर वॉट एवर, इफ़ यू राइट योर ड्रीम्स तो
तो 42% चांस उसके बढ़ जाते हैं वो सपना पूरा होने का। अब अगर आपने ये टेक्निक करके आप चले गए अभी आज, तो आपका अगर ये इस एक चीज को समझ गए तो भी आपके सपने पूरे होने चालू हो जाएंगे। राइट डाउन योर ड्रीम्स। पीपल हु हैव रिटन डाउन देयर ड्रीम्स, उनके सपने का अकम्प्लिश होने का 42% चांस बढ़ जाता है। बस अब कैसे लिखना उसकी टेक्निक है। नंबर वन टेक्निक इज राइट विथ क्लैरिटी। आपको क्या चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? सपोज आपको गाड़ी चाहिए तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, राइट विथ क्लैरिटी, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की, कौन सा कलर की, कौन सा मॉडल, डीजल पेट्रोल, जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा, आपके सपने पूरे होने फास्ट हो जाएंगे। और लिखना सीखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक है, ये इनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिन्होंने भी सपने लिखे हैं। तो हम एक काम करेंगे, हमारे जितने भी बड़े बड़े सपने हैं वो हम लिखेंगे, राइट? हम लिखेंगे हमारे एक सपना, एनी इन ओके, सपने जो होते हैं दे कैन अलग अलग एरिया में होते हैं हमारी लाइफ के। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है वो पहला होता है हेल्थ। तो हमने कुछ ना कुछ हमारे हेल्थ के बारे में लिखेंगे। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया विच वी विल कवर, जो मुझे अभी अभी समझ में आया। मेरे लिए पहले पैसा ही सब कुछ था, अब कितने लोगों के लिए पैसा ही पहला है। फर्स्ट इज मनी, बी वेरी फ्रैंक, यस मनी, बस करेक्ट, इट्स फाइन, आई मीन इट्स ओके। बट बाद में कभी समझ में आया कि अगर हेल्थ ही नहीं रही तो मैं क्या करूँगा पैसे का, राइट? सो फर्स्ट इज हेल्थ, सेकेंड इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो 75 साल चला। अगर कोई दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट जो सबसे ज़्यादा चला है वो ये है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई आदमी को हैप्पी और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 75 साल पहले किया था और अब जाके उसका रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी थे उसके। तो उन्होंने क्या किया, जो ऐसे 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, हाउ आर यू फीलिंग, फिर उसका पैरामीटर्स चेक करते थे, हेल्थ के, बॉडी के, सब कुछ, उनके फैमिली के, फिर उसके बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आए, वो पूरा सर्वे करते गए। एवरी ईयर दे यूज टू मॉनिटर दोज 100 पीपल, आउट ऑफ दैट समथिंग लाइक 37-38 पीपल आर स्टिल अलाइव, मतलब ऐसा है ओरिजिनल सर्वे, मतलब जो अभी जो शुरू किए थे 75 ईयर्स अगो, कुछ सॉरी 15 या 20 लोग अभी भी जिंदा हैं। तो दे केम टू अ कंक्लूजन कि जिन जिन के रिलेशनशिप अच्छे हैं दे लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको कभी समझ में नहीं आया। अब उन्होंने ये 75 साल वाला वो पूरा रिपोर्ट है पब्लिश, यू कैन सी द वीडियो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये बात समझ में नहीं आई रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, नाउ इट स्टार्ट्स विथ रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, जो हम आपको बताएंगे बाद में कल। सेल्फ लव, खुद से अपने रिलेशन पहले तो अच्छे कर दो, फिर अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ स्पाउस, अपने चिल्ड्रंस, अपना फैमिली, नेबर्स, स्टाफ, बॉस, एनीथिंग, यू नो, रिलेशनशिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मोर देन मनी। जिनके भी रिलेशन संबंध अच्छे थे दे लिव्ड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी, आर यू गेटिंग इट? मरमर के जीना, मरमर मतलब मरते मरते जीना, बीमारियों के साथ जीना, दैट इज नॉट लाइफ। सो दोज पीपल हु हैड गुड रिलेशनशिप दे लिव्ड अ लॉन्ग एंड हैप्पी हेल्दी लाइफ। उनका ब्रेन अच्छा रहा, उनकी तबीयत अच्छी रही, एवरीथिंग दे हैव पुट अप इन अ रिपोर्ट। सो रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए? मनी एरिया में यू वॉन्ट सम इन्वेस्टमेंट्स, सो राइट योर ड्रीम्स इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। इट कैन बी सम सोशल वर्क, इट कैन बी समथिंग फॉर द एनवायरमेंट। आपको कुछ सोशल काम करना है, कोई डोनेशन करना है, कोई स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, वॉट एवर। और मे बी इन द एरिया ऑफ करियर, किसी को प्रमोशन चाहिए या मुझे 2 लाख का पगार चाहिए, 5 लाख का चाहिए। और इट कैन बी इन द एरिया ऑफ ट्रैवल, नाउ डोंट फॉरगेट दिस एरिया, ट्रैवल का एरिया कोई फॉरगेट नहीं करेगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट समथिंग ऑन ट्रैवल, क्योंकि हुआ यह है कि बचपन से लेके व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जैसे ही वैकेशन गिरती थी मेरे पापा मम्मी मुझे गाँव में लेके जाते थे, और जैसे स्कूल खुलने के एक दिन पहले या शायद उसी दिन मॉर्निंग हम वापस आते थे बम्बई। बाकी घूमना फिरना मतलब हमारे अहमदाबाद जाते थे, वहाँ एक दो मंदिर होते थे, मंदिर जाते थे और वापस आते थे। कितने को ऐसा हुआ है?
मंदिर ही घूमना फिरना तेरा भी अरे ये देखो इसके पापा भी मंदिर ही लेके जाते हैं। तो होता क्या था कि हमारे इंडिया में कंसेप्ट क्या है, अभी ये टाइम शिरडी जाएंगे, अब ये बाजू गणपति बापा जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, उड़ीसा जाएंगे, सब मंदिर जाएंगे, बस मंदिर की बातें चलती है। पालीतना तो पक्का जाना है, मेरी मम्मी अभी भी बोल रही तू जा पालीतना। माय पॉइंट इज हमने उसके ऊपर के सपने ही नहीं देखे कभी ट्रेवल में। सो प्लीज दिस इज वन एरिया प्लीज डू नॉट निगलेक्ट, क्योंकि जब हम हैप्पीनेस सबसे ज्यादा हैप्पी होते व्हेन वी आर ट्रैवलिंग राइट अवर यस। सो डोंट फॉरगेट दिस एरिया। मैंने रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले अभी जब आश्विन जी ने पूना में क्लास लिया था तो भी मैंने ऐसे ही लिख दिया था जापान। एक्चुअली क्या हो गया उस दिन मृदुल ने बुलाया था हमें, सो मैडम ने बोला आपने सपने लिखो, सो नाउ रिमेंबर दिस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं भी मेरे सपने 10 जगह पे लिखे हुए हैं, माई 10 टॉप ड्रीम्स। फिर उस दिन भी मैंने लिखना शुरू किया, ऐसे ऐसे पूरा लिख दिया। फिर वो शेयरिंग, फिर आश्विन जी ने पूछा भाई तुम्हारा सपना क्या है तुम्हारा, तो एक जन ने बोला अराउंड द वर्ल्ड। बोले मेरे को सब, कितने लोगों का सपना है अराउंड द वर्ल्ड का? रुको रुको हाथ ऊपर करो। मैंने भी वही लिखा था, तो एक एक ने समझाया, उनने बोला कि अराउंड द वर्ल्ड। फिर मैडम ने क्या बोला थोड़ा मैडम बताएंगे याद है, अफगानिस्तान भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, द पॉइंट इज व्हाट शी सेड वाज हैव क्लैरिटी। क्या पता यूनिवर्स तुमको अफगानिस्तान भेज दे या अफ्रीका भेजे जहाँ वॉर चालू है, या अभी रशिया भेज दे यूक्रेन भेज दे। आर यू गेटिंग इट? सो डोंट ट्राई। सो मैंने भी अराउंड द वर्ल्ड लिखा था। मैं जा मैंने फिर उस दिन फिर कैंसिल करके मैंने जापान लिखा, अमेरिका लिखा, दोनों जगह पे मैं घूम के अभी आ गया। मेरा जापान का कोई प्रोग्राम नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वे गोइंग एंड आई जस्ट ज्वाइन देम। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग। And as he very clearly said, कई लोग बेचारे सपने ही इतने गलत लिख रहे होते हैं कि यूनिवर्स क्या करे इसमें, आपके सपने में गड़बड़ है। तो ये जो कुछ टाइम है, अगर आपको बीच में लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन ट्रेन्ड बाई मी डायरेक्टली वॉलंटियर्स, एनी वॉलंटियर हेयर, जो वॉलंटियर्स हैं, अल्फिया यू आर ए बिग वॉलंटियर, बैठ जा। सोच रही है मैं हाथ खड़ा करूँ कि नहीं करूँ, इतने सालों से ट्रेनिंग मिली है तुमको, सो यू कैन रीच आउट टू देम After writing your dreams, अगर आपको हल्का सा भी unclarity होता है, because your language has to be very precise, very appropriate and very, very, very clear. अगर आपने लिखा है my dream is to travel around the world, it is so vague and ambiguous, मतलब बहुत ज़्यादा ambiguity है इसके अंदर। अगर आप कहते हो पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, no, this is not a clear instruction. It should be as clear as कि अगर आप suppose restaurant में जा रहे हो और अपना डिनर को ऑर्डर दे रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि बहुत भूख लगी है, बहुत सारा खाना ले आ, या जो तेरे रेस्टोरेंट में अच्छा है वो सब कुछ ले आ। इट विल बी अ वेग इंस्ट्रक्शन, देन ही विल ब्रिंग व्हाटएवर ही वांट टू ब्रिंग। फिर आप बोलोगे ये क्यों ले आया, ये क्यों ले आया। सो समझदार लोग कैसे देते हैं इंस्ट्रक्शन, कि भैया दो लच्छा परांठा लाना करारा करके, एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, एक ग्रीन सैलड लाना, ग्रीन सैलड के अंदर प्याज जरूर लाना ज़्यादा वाला, करते हो ना ऐसे, और लाल चटनी हरी चटनी जो भी चाहिए होती है। तो जिस तरह से आप अपना ऑर्डर बिल्कुल प्रिसाइजली देते हो, वैसे ही आपकी ड्रीम लिस्ट हैज टू बी प्रिसाइज, कि अगर आपको घूमना है तो कहाँ घूमना है। एंड वी आर एक्चुअली राइट नॉट ट्रेनिंग यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। मटेरियलिस्टिक डिजायर समझते हो, घर बंगला गाड़ी नौकरी छोकरी वगैरह वगैरह, व्हाटएवर यू वांट। तो मतलब जो भी आपके डिजायर, कितने लोगों को लड़की मतलब घर में शादी के लिए अच्छी बीवी चाहिए, कर दो हाथ खड़ा, wow, I love you for that. Okay, good. So, जिनको चाहिए, किन लोग को लड़की, लड़का किस किस को चाहिए? हाँ, good. I got you. So, जो आपके desire है, कैसा लड़का चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, it should be clear. Clear मतलब materialistically clear होना चाहिए. अगर आप ही vague vague desire अपनी लिख रहे हो, vague का मतलब होता है भगवान एक अच्छी बहू दे दे, अब वो कैसी भी आएगी। अगर आप लिखना चाहते हो कि कैसे चाहते हो, मे बी इफ आई वॉन्ट अ बहू, आई विल से जो बिल्कुल मेरी दोस्त हो, जिसके साथ मैं हर बात शेयर कर सकूं, हम एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को जेन्युइनली सपोर्ट करते हो, मे बी इट्स माई डिज़ायर, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। अगर मैं चाहती हूँ उसकी हाइट इतनी हो, फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी रीडिंग 5'6" 5'8", तो उतनी हाइट हो उसकी, दिखने में ऐसी लगती हो, मेरे बेटे के साथ ऐसी हो, मेरे साथ ऐसी हो, कि हाउ मेनी यू कैन अंडरस्टैंड क्लैरिटी, बोलो हाँ।
और अगर पैसे चाहिए तो एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए आपको कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम अब डिटेल में बात करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते. एंड एट द सेम टाइम वी कैन ट्रेन यू इनटू मटेरियलिस्टिक डिज़ायर व्हिच इज़ दिस काइंड ऑफ पैसा, रिश्ते. बट वंस यू गेट ट्रेन, वंस यू कैन रियली ट्रेन कि मिलते कैसे हैं प्रिसाइजली, यू कैन टेक इट टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल रेलम एज वेल. स्पिरिचुअल रेलम समझते हो, आनंद, परमानंद, ब्लिस, परमात्मा. पर उस सेक्शन में जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके इनर ट्रेनिंग होती है, इनर प्रैक्टिस होती है, जो कि आपको कब मिलेगी, जब आप अगर अपनी मर्जी का बंगला बनाना सीख गए, अपनी मर्जी के पैसे कमाना सीख गए, अपने मर्जी का अगर आप रिलेशनशिप्स बनाना सीख गए, तो आप उस परमात्मा तक पहुंचने की भी अब इच्छा कर सकते हो. नाउ यू आर ट्रेन्ड वेल. बट जिन लोगों को अपनी मर्जी की दुनिया बनानी नहीं आती है, घर बनाना, गाड़ी बनाना नहीं आती, तो अभी वो बहुत पीछे हैं उस ट्रेनिंग के अंदर. सो डोंट इवन ट्राई. ओके, सो फर्स्ट वी विल बी एक्सपर्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स गेन, एंड देन वी विल शिफ्ट आवर डिज़ायर इफ़ यू वॉन्ट टू. मतलब मेरी हुई है इसलिए मुझे पता है. एक टाइम तक मेरी भी डिज़ायर यही थी कि इसको मिलना है, ये काम करना है, इतनी ब्रांचेस खोलनी है, ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये घर चाहिए, ये रिश्ते चाहिए. बट आफ्टर सर्टन टाइम द डिज़ायर शिफ्ट्स. नाउ यू वॉन्ट टू रियली गेट इन टू द स्पिरिचुअल रेल्म, यू वॉन्ट टू मीट, यू वॉन्ट टू बी वट एवर. ठीक है, क्लियर? रूल क्लियर है? तो रूल हम आराम से सीखते हैं डिटेल के अंदर. अपन अभी आस्क तक स्टॉप करते हैं. अभी मांगना सीखो. सो दिस इज व्हाट आई हैव डन. सो आई हैव गॉट माय ड्रीम, मेरा विजन बोर्ड है. सो दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड. जिनको पढ़ना है तो आई विल लीव दिस बुक हियर. सो दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, दिस इज माय विजन बोर्ड. आप भी क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द बुक दैट आई हैव मेड. सो मेनी ऑफ यू ऑल हैव दिस बुक, राइट? Okay, so we are also, Rashmi is there, you can help you if anybody wants to buy these books. And there are a lot of other manifestation tools available. So this is where I have written. And let me show you, this is what I had created. Ashmin ji ke jab session humne Pune mein, I was listening to her. So this is my dream list. So this was on 6th of April 2023. Uh-huh, okay. So these are my dream list. I have written it down. Yahan se leke yahan tak kitne ho gaye? Yahan se yahan, yahan se yahan, yahan se yahan. 34 लिस्ट लिखा हूं मैंने. यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट. और मुझे ये इसके लिए मिलने वाले हैं क्योंकि मैंने मांगा है, मैंने लिखा है. आर यू गेटिंग? सिंपल साइंस है, मांगना सीखो, राइट? और फिर हम आपको सिखाएंगे उसको कैसे चेंज करना. देन वी विल मेक यू. सो टुडे द फर्स्ट स्टेप इज, जो भी हमारे एक्सपर्ट है, जिन्होंने भी, जिन्हों पता है ये साइंस, उनको लैंग्वेज पता है, राइट? I am living in my new house. I am driving. Correct? जिनको ये समझ में नहीं आता है, आपको जैसा समझ में आता है, I want a new house, 3 bedroom, इतने माले पे, ये एरिया में, whatever, इतना स्क्वायर फुट, या I want a, जैसा लिखना है, आपको जो समझ में आता है लिखें. और जो हमारे जूने एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पता है कैसे लिखना, राइट? राइट इन प्रेजेंट टेंस, करेक्ट? वी विल ट्रेन. सो माई पॉइंट हियर इज, इवन इफ यू डू मेक अ मिस्टेक, वी विल करेक्ट इट. बट फर्स्ट राइट इट डाउन. और मैं आपको आज बता रहा हूं, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, राइट? हमने ये नहीं सोचना, हमने ये नहीं सोचना कि ये कैसे मिलेगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं, 5 लाख 50 लाख की गाड़ी कैसे लूंगा मैं. ये सोचना आपका काम नहीं. आपका जस्ट, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप भगवान के बच्चे हैं, जो मांगोगे मिलेगा. पर पहले मांगना सीखो. डोंट स्टॉप योर सेल्फ. हु यू आर टूडे, आज आप जो भी हो, इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स एंड बिलीफ्स. जो भी आपने सोचा उसकी वजह से आपके हालात है, या आपके पास पैसे नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स, करेक्ट? जो भी हमने सोचा था उसकी वजह से हम ये हैं. पर मेरा जो कल, मेरा जो आने वाला कल है, जो मैं आज सोचूंगा, राइट, तो मेरा कल वैसा क्रिएट होगा बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. आई विल क्रिएट बाय माई थॉट्स, आई विल क्रिएट इट बाय मेकिंग इट पॉजिटिव थॉट्स, आई विल क्रिएट माई लाइफ विथ अबंडेंस जस्ट बाय माई थिंकिंग, चेंजिंग माई बिलीफ. हम आपके बिलीफ को चेंज करूंगा मैं आपका. दैट इज अ ब्यूटिफुल साइंस दैट विल बी हैपनिंग टुमारो. I will go into the inner depth. I will find out what is stopping you. I will take you into your childhood and we will identify your limiting beliefs.
दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई कैन गिव इट टू यू इन दिस सेशंस, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा. समथिंग इज स्टॉपिंग यू मे बी, सो वी विल आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो टुमारो. सो लेट्स हैव अ कॉफी एंड अ क्विक ब्रेक एंड कम बैक इन हाफ एन आवर.